प्रीतम साहब, क्या तबीयत खराब है? सब लोग गए, ऑफिस बंद करना है। ओ, क्या आप घर नहीं जाएंगे? अरे भैया, घर है ही कहाँ जो जाऊँ। तो इतने रोज से कहाँ रहते थे आप? एक ड्राइवर के साथ, मोटर गैरेज में। मोटर गैरेज में? हाँ, सवेरे 6 बजे निकलना, रात को 12 बजे लौटना। मगर मेरी बदकिस्मती, उस बेचारे ड्राइवर की नौकरी छूट गई, मेरे रहने का ठिकाना गया। मायूस ना होइए, कोशिश करेंगे तो और कहीं ठिकाना मिलेगा। अरे भैया, सब देख चुका, पेइंग गेस्ट होने के लिए शादीशुदा होना चाहिए, होटल में रहने के लिए रईस, और फुटपाथ पर सोने के लिए फकीर। ये बंबई है, यह सोना मिल जाता है मगर सोने के लिए जगह नहीं मिलती। नहीं नहीं प्रीतम साहब, आप हिम्मत ना हारिए। कोलंबस ने ढूंढते ढूंढते अमेरिका का पता लगा लिया, और आप एक रहने की जगह भी नहीं ढूंढ सकते। यू आर राइट, मैं भी कोलंबस हूँ। जगह मिल गई? जगह मिल गई। कहाँ? तुम्हारे घर? मेरे घर? हाँ। मेरी हालत तो आपसे भी गई बीती है। 10x12 का कमरा, औरत मर्द बच्चे मिलकर 13 प्राणी। आदमी की बात छोड़िए, वहां तो चूहे तक को आने की जगह नहीं। काश भगवान मुझे चूहा बनाता तो कहीं भी बिल खोद कर रह जाता, मगर अभी कहाँ जाऊं? फिलहाल तो ऑफिस बंद करना है। धीरे जाइए, हिम्मत मर्दा मत दे। मदद नहीं, मुसीबत है खुदा, पता नहीं तकदीर का चक्कर कहां और किधर ले जाए। अरे भाई टेलर मास्टर, आपके जान पहचान की कोई ऐसी जगह है जहां मैं रात बिता सकूं? अजी साहब, बंबई में रात बिताने के लिए बहुत सी जगह है। वैसे मैं लड़कियों के कपड़े जरूर सीता हूँ, पर उनके घर के पते नहीं रखता। ओहो, आप मुझे गलत समझे, दरअसल मुझे रहने के लिए किराए का मकान चाहिए। मेरी जानकारी में कोई ऐसी जगह नहीं। अच्छा भाई, माफ करना भाई। नहीं नहीं भाई, मैं क्रॉस वर्ड भरता हूँ, इस बार हाल कट आएगा। मैंने आपको कहीं देखा है? आप कहीं खंडवा? खंडवा गाजा गोदाम के सामने, लाइब्रेरी के पास। जगदीश, प्रीतम, खूब मिले भाई, खूब मिले, खूब मिले, खूब मिले। कहो भाई, बहुत दिन के बाद मिले, कहाँ हो, क्या करते हो, कैसे हो? अच्छा हूँ, ऑफिस में काम कर रहा हूँ, रहने की जगह नहीं मिल रही है। तुम्हारे पास रहने की जगह है? अरे जगह बहुत है प्यारे, दिल में जगह होनी चाहिए। आओ पहले कुछ होटल में खा ले, उसके बाद जी भर के बातें करें। चलो चलो, इधर नहीं, इधर। ये रहा, कहाँ ले आया? ये है हमारा ताजमहल। ताजमहल? नहीं नहीं, राजमहल। मैंने कहा जड़ी बूटी जगदीश, ये नया साथी कहां से लाए? ये कौन है? वैदराज जड़ी बूटी। जड़ी बूटी बाजार से मानो। चाचा जी, ये है मिस्टर प्रीतम। नमस्ते करो। नमस्ते जी। जड़ी बूटी रहो, यानी कि खुश रहो। ये लाल रंग की टाई तुमने बहुत सुंदर पहन रखी है। ये कमाल है, आप सबको देख लेते हैं मगर आपको कोई नहीं देख पाता। पहली बार सभी यही पूछते हैं। दरअसल मैंने एक टेलीविजन इजाद किया है। टेलीविजन? हाँ, हिंदुस्तानी घरेलू टेलीविजन। कीमत सिर्फ 6 पैसे। जरा गौर से देखो, तुम भी लोग समझते हैं कि मैं जड़ी बूटी पर रहा हूँ, असलियत ये है कि राम झरो पे बैठ के सबका मुजरा ले। भाई वाह, बड़ा ही खूबसूरत आइडिया। चाचा जी बड़े तजुर्बेकार हैं, ये खानदानी वैदराज है। अरे आधी तारीफ क्यों करते हो जगदीश? देखो प्रीतम, मेरा पूरा नाम, सब डिग्रियां और तैयार की हुई औषधियां यहाँ लिखी पड़ी है, तुम खुद जड़ी बूटी कर लो। पढ़ो पढ़ो पढ़ो। आयुर्वेदाचार्य पंडित चूरन दास चतुर्वेदी जी वैदराज उर्फ चाचा जी उर्फ जड़ी बूटी विशारद। अरे बाप रे, बहुत बड़ा नाम है। आगे पढ़ो आगे। हमारी खास दवाइयां, चित्त शुद्धि गोलियां, दिल पलट गोलियां, दिमाग दुरुस्त गुटी, प्रेम मारू गुटी का, मिलन माधुरी भस्म, भूल चूक संभाल संजीवनी। अरे बाप रे, ये दवाइयां हैं या जादू? आगे पढ़ो आगे। मिलने का समय सुबह, दोपहर, शाम, रात। फीस 1 रुपया यहाँ, 2 रुपये वहां। ये यहाँ वहाँ का क्या मतलब है जी? यहाँ यानी यहाँ, वहाँ यानी तुम्हारे घर। मगर ये तो हमारे नए साथी हैं, आज से यही रहेंगे। इनको चाली के नियम कानून तो बता दिए हैं ना? कायदे कानून? हाँ, यहाँ रहने वाले जो चाहे करें मगर मोहब्बत नहीं कर सकते।
क्या नहीं कर सकते? मोहब्बत। ऐसा क्यों? वो चाली की मालकिन है ना, वो जमाने के दिनों में किसी से मोहब्बत कर बैठी और जड़ी बूटी खा गई। ए वैद्यराज, मेरी चाली में रहकर पीठ पीछे मेरी ही बुराई कर रहे हो? हाँ मुन्नी देवी, तुम्हारी बुराई तो मैं सपने में भी नहीं कर सकता, बल्कि मेरे सामने कोई तुम्हारी बुराई करे तो मैं सपने में उसकी जड़ी बूटी बना दूँ। और ये कौन है? ये जगदीश का नया साथी है। क्या नाम है भाई? मिस्टर प्रीतम। प्रीतम यानी प्रेमी। प्रेमी? प्रेमी नाम तो है लेकिन यहाँ रह के प्रेम नहीं कर सकते। जी, मुझे फुर्सती कहाँ है प्रेम करने की, मैं तो सिर्फ नौकरी करता हूँ। लेकिन प्रेम नहीं तो किराया भी नहीं, ऐसा ना समझना। यहाँ प्रेम करना मना है, किराया देना मना नहीं है, समझे? मगर इसका किराया कहाँ जाएगा मुन्नी देवी, उधर ऑफिस से तनख्वाह दी और इधर तुम्हें किराया दिया। हाँ हाँ हाँ, बड़ी वकालत कर रहे हो, मालूम है तुम्हारा कितना किराया हो गया? सबके सामने बेइज्जत कर देती हो, आखिर किराया है कितना? 4 महीने का तो है। सबकी 5 महीने का हो जाएगा। तो क्या हुआ, वो मोटापा हरण गोलियाँ भी तो तुम्हारे नाम पर पेटेंट करवा रहा हूँ। ये तो मैं कई साल से सुनती आ रही हूँ। तो, मगर मेरे दिल की बात आज तक नहीं इसने सुनी। अरे यार देख के, ये कौन है? ये हमारे दोस्त भीम सिंह। अच्छा, अरे रास्ते यार रास्ते। आप सर्कस में काम करते हैं? जी? नहीं नहीं, ये बॉक्सिंग चैंपियन बनने की कोशिश कर रहे हैं। आप हैं हमारे नए दोस्त मिस्टर प्रीतम। अरे वहाँ नहीं यार, वहाँ। तुम हो प्रीतम, मैं हूँ वियोगी, दोनों बनेंगे प्रेम की रोगी। वाह 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 वाह, बहुत ही सुंदर। आप कवि हैं? अच्छा, आप यहाँ पधारे, मुझे अत्यंत प्रसन्नता हुई। क्यों नहीं क्यों नहीं, आपको अपना दुख सुनाने के लिए एक साथी जो और मिल गया। कैसा दुख भाई? बात यह है कि इन्हें एक लड़की से प्रेम हो गया था। यार प्रेम हो गया था? हाँ, और वो इन्हें अंगूठा दिखाकर। जगदीश! और ये उसके छाते को अपनी छाती से लगा के दिन काट रहे हैं। तुम लोग मित्र होकर मुझे क्या ना समझेगा संसार? मेरा प्यार, हाय हाय रे मेरा प्यार, हाय हाय रे मेरा प्यार। योगी जी, आपकी हालत बड़ी पिलपिली मालूम होती है। साधु साधु, इन मूर्खों में मुझे आप ही एक विद्वान प्रतीत होते हैं। करेक्ट, विज्ञान नहीं विद्वान। फिर पड़ गए 99 के फेर में। रखो इसे अंदर, आप भूखे होंगे, मैं आपके लिए खिचड़ी बनाता हूँ। तकलीफ की जरूरत नहीं, हम दोनों होटल से खाना खाकर आए हैं। जगदीश, अब मुझे नींद आ रही है। तो सो जाओ, तुम्हारी खटिया सेकंड फ्लोर पे है। सेकंड फ्लोर? हाँ, इधर आओ इधर आओ। देखो खटिया नंबर 4, चढ़ जाओ सूली पे। मीना ने कहा है सूली ऊपर सेट किया कि कैसे मिलना हो। हाय मेरी प्रियतमा। कवि जी, हाय मेरी कवि जी। अरे, अब आपकी प्रियतमा आपको सपने में मिलेगी है, सो जाइए। प्रीतम, गुड नाइट। गुड नाइट प्रीतम, गुड नाइट। गुड नाइट योगी जी, गुड नाइट। गुड नाइट भीम सिंह जगदीश, गुड नाइट। जगदीश, इनको सोने दो, जगा दो। अरे भाई सोने दोगे तो दूध कौन लाएगा, बर्तन कौन मांजेगा? लाइट, जल्दी जाओ। प्रीतम, प्रीतम भाई उठो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग भाई। योगी जी उठिए, सुबह हो गई। बस तेरे के क्यों जगा दिया, क्यों मेरा मधुर स्वप्न भंग कर दिया? कविराज, हाँ? क्या सपना देख रहे थे? हाँ। क्या देख रहे थे? प्रिय को, प्रिय तुम्ही को देखा करता हूँ सपने में बारंबार। ये वो तो रोज देखते हैं, बर्तन मांजिए चल के कविराज। देखा मैं। आइए। गुड मॉर्निंग कवि जी। गुड मॉर्निंग प्रीतम। गुड मॉर्निंग जगदीश। प्रीतम, तुम सामने वाले हलवाई की दुकान से जाकर दूध ले आओ। मैं? हाँ हाँ, मगर मैं तो अभी। अरे भाई वो भी हो जाएगा, देखो यहाँ सबको अपना अपना काम बारी बारी खुद करना पड़ता है। इसका नाम है 4 यार काम करूँ संघ। बड़ा अजीब संघ है, रोजाना जाना पड़ेगा? अरे भाई नहीं, यहाँ अदला बदली का रिवाज है। यानी कि आज मेरा नंबर? आज तुम्हारा नंबर है, लो जल्दी करो जाओ। अरे हाँ, पैसे? पैसे तुम दे देना। अजीब संघ भाई।
अरे तुम दूध नहीं आए? अरे जाऊं कैसे, बारिश होने वाली है, बादल गिरे हैं। बादल आषाढ़ के पहले बादल मेरा संदेश लेते जाना। नाउ यू शट अप। योगी जी आपकी छतरी किधर है? ये 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 नहीं नहीं, ये तो मेरी प्रीतमा की निशानी है। अरे इसीलिए तो ले जा रहा हूँ। आंसुओं में भिगोने की क्या जरूरत है, बारिश में भिगो कर लाऊंगा। मैं भी कैसा अभागा हूँ। करेक्ट, भागा नहीं अभागा। मैं लिख के आता हूँ। आप चाय का पानी देखिए। अरे यार उबल तो रहा है। भैया जी, ओ भैया जी, क्या है दूध? क्या भाव है दूध? सवा रुपया सेर। सवा रुपया सेर? हाँ। पानी के साथ? कहाँ बात करते हो सेठ, गंगा मैया की कसम हम दूध में पानी नहीं मिलाते हैं। तो पानी में दूध मिलाते होंगे? हाँ हाँ। नहीं नहीं, हमारा दूध एकदम नखालस, इसका अमृत। अमृत? अच्छा तो आधा सेर अमृत दे दो। छतरियाँ फंस गई। आप कीजिए ना अपनी तरफ। अच्छा भी, 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 क्या हुआ? नहीं आ रही है। अच्छा तो अब मैं अपनी तरफ खींचता हूँ। जान पड़ता है, इन दोनों की पुरानी जान पहचान है, एक दूसरे से अलग नहीं होना चाहती। क्या? हाँ क्या लगो? नहीं, आप काफी समझदार मालूम होती है। कहा हो राजा? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया। अरे तुम्हारी छतरी? अरे हाँ, मैं तो बिल्कुल ही भूल गया। तुम तो बिल्कुल भीग गए। अरे भाई क्या बात है, क्यों कोमल मुख मुड़ जाया है? क्या किसी से झगड़ा करके आए हो, बोलो तो सही। हाथे से छतरी मिली। मिली? मिले नैन से नैन। नैन? आते थे हम घर को भैया, पहुंच गए उज्जैन। क्या मतलब, क्या मतलब? मतलब आजा किसी बाजा मुझे किसी मुझे काजा किसी लिखी 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 आई हो। हाँ। दिल धड़का, उसे देखते ही दिल धड़का, आकर लगा जो फिर तीर नजर का, तिरछी नजर का। ओ दिल धड़का, उसे देखते ही दिल धड़का, आकर लगा जो फिर तीर नजर का, तिरछी नजर का। वाय रब्बा, वाय रब्बा, वाय रब्बा। रब्बा नहीं, अब्बा। हाय हाय वो मतवाली अदा, मेरा दिल फिसल गया। हाय हाय वो मतवाली अदा, मेरा दिल फिसल गया।
पे जो गुजरी हो वो बिजली सीधी ही मेरे दिल पे गिरी, फिर क्या कहूँ जो मेरी जान पे बीती, मुझ पे जो गुजरी वाय रब्बा वाय रब्बा वाय रब्बा। अब्बा नहीं डब्बा। हाय हाय वो मतवाली अदा मेरा दिल फिसल गया, हाय हाय वो मतवाली अदा मेरा दिल फिसल गया। लेकिन न जाने क्या बोली, समझा नहीं मैं नजरों की वो बोली प्यार की बोली, ओ, 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 कुछ बोली लेकिन न जाने क्या बोली, समझा नहीं मैं नजरों की वो बोली प्यार की बोली, वाय रब्बा वाय रब्बा वाय रब्बा। हाय हाय वो मतवाली अदा मेरा दिल फिसल गया, हाय हाय वो मतवाली अदा मेरा दिल फिसल गया, हाय हाय वो मतवाली अदा मेरा दिल फिसल गया। या रब्बा खैर हो या रब्बा खैर मिले तू मिले तू, या रब्बा खैर हो या रब्बा खैर मिलेगी मिलेगी, या रब्बा खैर हो या रब्बा खैर मिले तू मिले तू, या रब्बा खैर हो या रब्बा खैर मिलेगी मिलेगी, या रब्बा खैर हो या रब्बा खैर। साइलेंस साइलेंस। अब आप लोग समझ गए मुझे क्या हो गया है? हम समझ गए समझ गए। क्या समझ गए? यही कि तुम्हें प्रेम हो गया प्रीतम। बिल्कुल, और वो भी इस छतरी की बदौलत, तो वियोगी जी को उनके प्रेमिका ने भेज दी। क्या हो गया? क्या हो गया? वियोगी जी बड़ी भूल हो गई। वापस ला दूंगा। अरे राम राम, बड़ी गड़बड़ हो गई। अब मैं लाऊं तो कहां से लाऊं छतरी? न पता न ठिकाना मालूम। ओह बड़ी जोर से मार दिया यार, बड़ी जोर से मार दिया। नजर लागी हो राजा तोरे बंधले पे, नजर लागी ओ नजर लागी हो राजा तोरे बंधले पे, नजर लागी। सुनाओ बनारी से भैया। आओ बाबू, कहाँ हाल चाल है तुम्हार? हाल चाल तो ठीक है, बस एक जरूरी काम था, सोचा कि तुमसे। अच्छा खैर जाने दो, तुम क्या करोगे? बोलो बोलो सरकार, तोरे लिए जान हाजिर। नहीं कुछ उल्टा सीधा मैं समझ बैठना। वो बात ये हुई कि वो कल लड़की थी ना वो। हाँ, जो अंग्रेजी में तो है कह गई थी सटअप। हाँ सटअप। जाके फिर तोरा छाता फट गवा। हाँ, बस दरअसल बात ये हुई कि वो छाता अदल बदल हो गया है। छाता अदल बदल हो गवा कि तोरा दिल अदल बदल हो गवा? मैंने कहा था ना तुम उल्टा सीधा समझ बैठोगे। अच्छा तुम्हार नाम कहा है? प्रीतम। आहा, नाम प्रीतम, काज प्रेम, मनवा रंगीला। देखो मैं तो सिर्फ उसका पता पूछ रहा था। अच्छा भैया देखा, अगर वो हमारे दुकान पे पान खाए आती तो हम उसका पता जरूर पूछते, मगर उसका मुख तो बिना पान खाए मुख बिलास रहे थे गुलाबी गुलाबी। हाँ इतना जानत है कि रोज शाम को खट 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 करके आवा था और पट 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 करके चल जाता। खट 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 किधर आवत है? अरे वो सामने डिसुआ की दुकान में रोज आवत है किताब ले बदे। उस दुकान पर? अच्छा मैं अभी आता हूँ। अच्छा पान तो खा गया? पान तो खाऊंगा। मिस्टर डिसोजा। ओह हेलो, व्हाट कैन आई डू फॉर यू सर? मिस्टर डिसोजा, यस, आपका बुक स्टॉल काफी अच्छा मालूम होता है। ओह यस, यहाँ इधर आपको बहुत अच्छा अच्छा लिटरेचर मिलेगा, गुजराती में, उर्दू में, इंग्लिश में, ट्रेजेडी, कॉमेडी एंड रोमांटिक टू। रोमांटिक टू? यस। मिस्टर डिसोजा, क्या मैं आपके स्टॉल का मेंबर बन सकता हूँ? ओह यस ऑफ कोर्स, 10 रुपीज एडमिशन फी, 5 रुपीज मंथली। मिस्टर डिसोजा, यस, आपके यहाँ सिर्फ लड़के ही मेंबर होते हैं? नो नो, देर आर बूढ़ा बूढ़ा आदमी,
बूढ़ी बूढ़ी औरतें, छोटा छोटा बच्चा एंड ग्रोनअप गर्ल्स टू। ग्रोनअप गर्ल्स? यस यस मिस्टर सिसोदा, मैं आपके यहाँ के ग्रोनअप गर्ल को जानता हूँ। उसने हमारा लाइब्रेरी का बहुत तारीफ किया, बहुत तारीफ किया है। शी इज वेरी ब्यूटीफुल। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। बिग बिग आईज। यस एंड बिग नोज टू। बिग नोज, लंबा लंबा बाल। एग्जैक्टली एग्जैक्टली मिस्टर सिसोदा। यस, उसका नाम क्या है? व्हाट, अभी तो तुम बोला कि तुम उसको जानते हो। अभी इधर तो ऐसा सूरत का बहुत सा लड़की लोग आता है, हम कैसे बोल सकते हैं कि वो कौन है? प्लीज साइन हियर। साइन हियर प्लीज। दिस इज़ द यस, मैं कल आके साइन कर दूंगा। ओह गीतम बाबू, पता लगल? पता तो नहीं लगा, मगर लगा के छोड़ूंगा। तुम लगाओ ये फर्स्ट क्लास मजेदार बढ़िया खुशबूदार पान। ये हाल में वो पान मजा ना ही दे। काहे? हम दूसर पान लगा के देते है, जेके खायो तो उदासी की घटा हट के खुशहाली की छिटा छा जाए। अच्छा कौन सा पान है? पिया मिलन। पिया मिलन? लगाओ लगाओ पिया मिलन पान। मिस्टर डिसोदा, मिस्टर डिसोदा, ये वही लड़की है। कौन कौन? जो अभी अभी टैक्सी में गई है। नाम क्या है? हम कैसे बोल सकते हैं, तुम हमारी लाइब्रेरी का मेंबर नहीं है। मिस्टर डिसोदा, ये बहुत जरूरी है, प्लीज। जरूरी है, लेकिन तुम हमारी लाइब्रेरी का मेंबर नहीं है, कैसे बोल सकता है? ये लीजिए। नाम? नीना शर्मा। एड्रेस? यूनियन पार्क बांद्रा। नीना शर्मा, यूनियन पार्क बांद्रा। योर नेम प्लीज? नीना शर्मा। आ गया आ गया छाता दुरुस्त करने वाला, छतरी बनवाला। कौन है? छतरी वाला, लाओ भाई लाओ। कपड़ा फटा हो, तान टूटी हो, लकड़ी लंगड़ी हो, सब ठीक कर दूंगा। हमारे यहाँ कोई टूटी फूटी छतरी नहीं है। कौन है गंगू भाई? छतरी वाला, उर्फ छतरी का डॉक्टर। दीदी कहाँ घुसे चले आ रहे हो? दीदी जी, सुबह से बोनी नहीं हुई, बाल बच्चे वाला घर है, कहीं ना कहीं कोई टूटी फूटी छतरी होगी ही। हमारे यहाँ कोई बच्चा नहीं। बच्चा नहीं? शुक्र है उस खुदा पाक का, सब किसी बड़े बूढ़े का छतरा ही होगा, है कि नहीं? की बड़े बदतमीज़ हो, एक बार कह दिया यहाँ कोई छतरी नहीं है। है कैसे नहीं, जरूर होगी, जरूर होगी। है, है? है? अरे आप ही तो थी सर डिसोदा की दुकान के सामने, जब आंधी और तूफान जोरों पर था तब आपकी छतरी एक छाते से टकरा गई, है कि नहीं? की मुझे सब मालूम है, मैंने अपनी आंखों से देखा। आहा, खुदा की कसम क्या मंजर था, कभी आप खींचती थी कभी वो खींचता था, कभी आप खींचती थी कभी वो। नहीं तू? जी जी जी, मैं दरअसल मैं अपनी छतरी वापस लेने आया था। कौन सी छतरी? जो वही जो कल खींचा था, नहीं अदल बदल हो गई थी, ये रही आपकी छतरी। लेकिन आपकी छतरी तो मेरे पास है नहीं। नहीं है, मगर वो तो मेरे दोस्त के गर्लफ्रेंड की यादगार है, उसके बिना वो पागल हुआ जा रहा है। घबराइए नहीं, वो मैं अपनी एक सहेली के यहाँ भूल आई हूँ। सहेली के यहाँ? कहाँ रहती आपकी सहेली? चलिए मेरे साथ। लेकिन मैं अभी तो जा नहीं सकती। तो फिर शाम को आ जाऊँ? नहीं नहीं, आप बताइएगा, मैं आ जाऊंगी। मगर कहाँ? वही डिसोजा की दुकान पर। डिसोजा की दुकान पर? ओ हाँ हाँ, जहाँ हमारी छतरियाँ टकराई थी, सही नहीं की? मगर आइएगा जरूर। सुनिए, आप क्या छतरियों की मरम्मत करती हैं? क्या बकती हैं? ओ हाँ हाँ, दरअसल मुझे दोस्तों के लिए सब कुछ करना पड़ता है, वैसे मैं ऑफिस में काम करता हूँ। कौन था बेटी, किससे बहस कर रही थी तुम? ऐसे ही एक दिमाग से छतरी वाला था मामा जी, एकदम जिद्दी, बड़ी मुश्किल से भगाया। छतरी वाला? ओ मैं कम इन मिस्टर मामा जी। अरे मिस्टर माथुर, आइए आइए पढ़ाइए। थैंक यू मिस्टर मामा जी। ओ मिस नीना, एकदम वैसा, नो चेंज। हमको पहचाना? क्यों नहीं मिस्टर माथुर। ओ एक्सलेंट, वंडरफुल, कितना अच्छा याददाश्त। लेकिन माथुर नहीं, फॉरेन कंट्री इंग्लैंड अमेरिका घूमने के बाद हम अपना नाम बदल दिए, मिस्टर माथुर से मथुर किया।
मिस्टर मथुर। ये तो आपने बहुत अच्छा किया मिस्टर माथुर। बोलो मथुर प्लीज। ओ बेटी, इनके लिए कुछ चारवाह का तो इंतजाम करो। अभी मैं आती हूँ मामा जी। आइए मिस्टर मथुर, आइए। ओ यस, थैंक यू थैंक यू। बैठ। थैंक यू थैंक यू। हाँ तो आजकल क्या हो रहा है? हम इंडिया में आते ही एक बहुत पलेशल, एक बहुत आलीशान होटल खोला है, होटल वियना। अच्छा, ये तो बड़ी खुशी की बात है। हम चाहता कि आप और मिस नीना हमारा होटल में आकर होटल का जरा इज्जत बढ़ाए। हाँ हाँ, हम जरूर आएंगे मिस्टर माथुर। ओ नो मथुर प्लीज। साहब आपको बड़े साहब बुलाते हैं। मुझे जी अभी जी। अच्छा चलो। देखिए मिस्टर प्रीतम, कल सुबह मैनेजिंग डायरेक्टर के सामने बैलेंस शीट पेश करनी है। उनका ऑर्डर है जैसे भी वो ये काम आज पूरा होना चाहिए। आज इस वक्त? तो क्या हुआ, ओवर टाइम कर लीजिए। ओवर टाइम? हाँ ये लीजिए, जल्दी कीजिए। उठाओ कर सहारा दो। पानी लाओ पानी। मालूम होता है मिर्गी आ गई। प्रीतम साहब को जूता सुनाओ। मिर्गी नहीं, मिर्गी नहीं, हार्ट अटैक। माय गॉड, हार्ट अटैक! आजकल तो हार्ट अटैक का सीजन चला हुआ है। इसीलिए तो कहते हैं कि ऑफिस में मर्दों के साथ लड़कियों को काम नहीं करना चाहिए। ये बीमारी लड़कियों की वजह से नहीं, वनस्पति घी की वजह से बढ़ रही है। क्या शोर मचा रखा है? अरे क्या हुआ? इनको हार्ट अटैक हुआ है सर। हार्ट अटैक? इस उम्र में हार्ट अटैक? नहीं घबराओ नहीं, कोई गैस वैस कर गई। बड़ी कमजोरी है, ऐसा लगता है जैसे जहाज डूब रहा हो। ड्यू टू नर्वसनेस। हाथ तो लेफ्ट साइड होता है ना, ये हाथ तो राइट साइड तरफ के क्यों चिल्ला रहे? आप अपना हाथ संभालिए मैडम, आप लोग सब मजाक में लगे हुए, मरीज की किसी को फिक्र नहीं। आपको आराम की जरूरत है मिस्टर पीटर। यहाँ इस ऑफिस में? नहीं नहीं, घर जाइए। घर जाकर डॉक्टर को दिखाइए और दवा कीजिए। आप जरा इन्हें टैक्सी तक पहुंचा दें। जान गई हो बालम तोरी चतुरैया में, जान गई वो राजा तो। लगाओ बनारसी भैया, आज एक मजेदार दिल बहार खुशबूदार पान लगाओ। दिल बहार? हाँ तुम बाबू आज तो बहुत खुश नजर आ रहा था। अरे खुश होने की बात ही हो। का का? हाँ हाँ का? हाँ कहो ना। अरे आज उसने हमसे मिलने का वादा किया हो। ई बात हुई पर ई ना ही कहियो कि हमार पिया मिलन पान का असर हो। अच्छा बाबा, तुम्हार पिया मिलन पान का असर हो बस। अच्छा तो हम दुई पिया मिलन पान लगाई दे थे। दुई? दुई का है? हाँ, एक तुम खायो और एक उनके खाए हो, दोनों मस्त हो जायो। तो फिर लगायो। पसीनों से अजी साहब सलामत दूर की अच्छी, ना इनकी दोस्ती अच्छी ना इनकी दुश्मनी अच्छी। क्या 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 क्या? छह से आठ बज गवा, कब तक रहा देखियो। हम तो कहे थे कि दे गई ना गटका, पर कोई परवाह नहीं, हिम्मत से काम लो, मर्द हो। आजकल की छोकरी का जाने वायदा निभाना। नजरें मिला के जो दुनिया की नजरों से डरे, मिलना न चाहे जो मिलने के वादे ही करे,
वो तो बुजदिल है बड़ा बुजदिल, वो तो बुजदिल है बड़ा बुजदिल। नजरें मिला के जो दुनिया की नजरों से डरे, मिलना न चाहे जो मिलने के वादे ही करे, वो तो बुजदिल है बड़ा बुजदिल, वो तो बुजदिल है बड़ा बुजदिल। जालिम हमारे दिल को न तोड़ो, छुपना छुपाना छोड़ो। जालिम हमारे दिल को न तोड़ो, छुपना छुपाना छोड़ो। तेरे बिन अब मेरा जीना मुश्किल है, जीना मुश्किल है। नजरें मिला के जो दुनिया की नजरों से डरे, मिलना न चाहे जो मिलने के वादे ही करे, वो तो बुजदिल है बड़ा बुजदिल, वो तो बुजदिल है बड़ा बुजदिल। जब तुम पे मरना, फिर दर्द से क्या डरना। सीखा है हमने जब तुम पे मरना, फिर दर्द से क्या डरना। मोहब्बत दरिया है, दर्द साहिल है, दर्द साहिल है। नजरें मिला के जो दुनिया की नजरों से डरे, मिलना न चाहे जो मिलने के वादे ही करे, वो तो बुजदिल है बड़ा बुजदिल, वो तो बुजदिल है बड़ा बुजदिल। माना के तू तो उसने जहां है, हम सा भी आशिक कहां है, है? माना के तू तो हुस्ने जहां है, हम सा भी आशिक कहां है। ये तेरा बंदा भी तेरे काबिल है, तेरे काबिल है। नजरें मिला के जो दुनिया की नजरों से डरे, मिलना न चाहे जो मिलने के वादे ही करे, वो तो बुजदिल है बड़ा बुजदिल, वो तो बुजदिल है बड़ा बुजदिल। आपका परिचय महाशय? मैं एक अदाकार, एक संगीतकार, मगर सबसे पहले एक पत्रकार। मैं आपका मतलब नहीं समझा। अभी समझाता हूं। दरअसल मैं नटराज पेपर का एडिटर हूं। वाह 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 वाह। रिपोर्टर हूं। फोटोग्राफर हूँ। वाह वाह वाह, कितनी सुंदर मुद्राएं हैं। किंतु महाशय, आपने यहाँ कैसे कष्ट किया? अभी समझाता हूँ। कष्ट करने का कारण ये है कि मैं अपने पेपर में
आपका परिचय छापना चाहता हूँ, दो फोटो उसके साथ। दो फोटो? हाँ हाँ, एक अकेले आपका, एक आपके परिवार के साथ। परिवार? किंतु महाशय, मेरा तो विवाह ही नहीं हुआ। विवाह भी नहीं हुआ? नहीं। तो क्या आपके माता पिता पति भगनी भ्राता कोई भी नहीं है? मेरी एक भगनी है जो अपने पति के साथ पुणे में रहती है। पति के साथ पुणे में? हाँ, उनकी एक पुत्री नीना है जो मेरे साथ यही रहती है। बस 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 बस, उसी के साथ एक फोटो ले लूंगा। किंतु वो भी इस समय अपने भगनी के विवाह में पुणे गई हुई है। तो फिर मैं भी घर को जाता हूँ। मेरा मतलब है, कल सवेरे अपने फोटोग्राफर के साथ और फूलों की मालाओं के साथ आपका शिष्य बनने के लिए उपस्थित हो जाऊंगा। धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। नमस्ते सबरजी महाराज। धन्य। नमस्ते सितारिया जी। बोल रहे हैं, ये आपकी छतरी है क्या? हाँ हाँ, मेरी छतरी है। बीबी जी ने कहा साहब, छतरी वाले साहब आए तो दे देना। बहुत अच्छा। सुनो, तुम्हारी बीबी जी पुणे से कब आएंगी? मालूम है आपको? मालूम है क्या? मुझे भी नहीं मालूम। अरे नीना बेटी, तू आ गई। आपका दांत मिलते ही चल पड़ी। क्या बताऊं बेटी, सब कुछ अचानक ही तय हो गया। अरे तेरे मामा जी नहीं आए? मामा जी को तो अपने संगीत सम्मेलन से ही फुर्सत नहीं मिलती। वो जरूर तानसेन बनकर आए। अरे सुनती हो, नीना आई है। माँ, माँ बेटी, अच्छा हुआ तू आ गई, मैं तेरा ही रास्ता देख रही थी। अब मैं शादी का काम इत्मीनान से कर सकूंगी और तू बेला की देखभाल करना। क्यों, दीदी की तबीयत फिर से खराब हो गई क्या? हाँ बेटी, तू तो जानती है विधवा होने के बाद। अच्छा बेटी, मैं चलता हूँ, मुझे जरा ज्वेलर के यहाँ जाना है। अच्छा, पर जरा जल्दी आना। माँ, ये बीना की शादी अचानक कैसे तय हो गई? और फिर क्या करती, तू तो बीना से बड़ी हर शादी के लिए राजी ही नहीं होती। मेरी बात छोड़ो माँ। उसके अलावा लड़के वाले ही शादी के लिए जल्दी मचा रहे थे। क्यों? इसलिए कि लड़का अगले हफ्ते विलायत जा रहा है। ओ, तो ये बात है। अच्छा तू बेला के पास जा, वहाँ डॉक्टर आया बैठा है, मुझे दूसरे काम निपटाने दे। दीदी, नीना, कैसी हूँ दीदी? अच्छी हूँ। नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्ते, कैसी हैं आप? अच्छी हूँ। मैंने कहा बीना देवी जी, शादी मुबारक हो। हाँ तो दीदी। ये हुई ना बात, अगर आप इसी तरह हंसती रहें तो दवा की जरूरत नहीं पड़ेगी। खुश रहना जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद है। जिंदा रहकर भी क्या करना है, आप मेरा सिर्फ समझ नहीं सकते डॉक्टर साहब। मैं सब समझता हूँ बेला जी, मत भूलिए कि खिजा के बाद बाहर जरूर आती है, कुदरत का यही नियम है। दीजिए दवा पीजिए। नहीं, मैं पी लीजिए। पिला रहे नहीं जी, पी लो ना। क्यों चुकी? ये छात है हाँ दीदी। क्या हुआ, आवाज फट गई? पलटी तान लो बेटा। ओ नीना बेटी, तुम आ गई, आओ आओ यहाँ आकर बैठो, यहाँ बैठो। कहो बेटी, कैसी रही शादी? अच्छी रही, लेकिन माँ पिताजी बेला सब आपसे नाराज थे कि आप नहीं पहुँचे। तुम्हारी शादी में पहुंचकर मैं सबकी नाराजगी दूर कर दूंगा। अरे ये है मिस्टर प्रीतम और ये मेरी भांजी नीना। नमस्कार। नीना बेटी, ये पत्रकार है और संगीत आप बहुत अच्छा जानते हैं। जानता तो नहीं हूँ, हाँ प्रेम जरूर है। प्रेम तो इसे भी है, बहुत अच्छा गाती है। बहुत खूब, तो फिर शुरू हो जाइए। नहीं नहीं मामा जी, आप तो खामखा तारीफ करते हैं। सुना दो ना बेटी। हाँ हाँ, पहले इनसे तो सुनवाइए। सुनाऊंगा, जरूर सुनाऊंगा, लेकिन बाद में।
पहले आप लेडीज फर्स्ट। गुरुजी दोनों एक साथ सुनाए तो कैसा लगेगा? रतन तुमने तो मेरे मन की बात छीन ली। नीना बेटी आ मेरे पास आकर बैठ। यहाँ आ बैठ बेटा, अब शुरू हो जाओ। सा 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 सारे गा 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 गारे तार दिलों के अब जोड़ दो। पा 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 पामा मारे गमामा कहती हूँ मेरा पीछा छोड़ दो। सा 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 सारे गा 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 गारे तार दिलों के अब जोड़ दो। पा 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 पामा मारे गमामा कहती हूँ मेरा पीछा छोड़ दो। सा 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 सारे प्यार की सरगम गाते हुए हम सपनों में आओ खो जाएंगे। तुमको पता है राग क्या है लेने के देने पड़ जाएंगे। प्यार की सरगम गाते हुए हम सपनों में आओ खो जाएंगे। तुमको पता है राग क्या है लेने के देने पड़ जाएंगे। सा 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 सारे गा 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 गारे तार दिलों के अब जोड़ दो। पा 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 पामा मारे गमामा कहती हूँ मेरा पीछा छोड़ दो। सा 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 सारे की देवी सपनों की रानी मुझको भी तुझसे ही प्रीत है। प्रेम तराना सबसे सुहाना जिंदगी क्या है संगीत है। गीतों की देवी सपनों की रानी मुझको भी तुझसे ही प्रीत है। सा 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 सारे गा 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 गारे तार दिलों के अब जोड़ दो। पा 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 पामा मारे गमामा कहती हूँ मेरा पीछा छोड़ दो। सा 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 सारे के सहारे बिछड़े सितारे मिलते हैं ऐसे बोलो मान गए। एक तो छोड़ी फिर भी ना जोड़ी वो तुम्हें हम जान गए। सुर के सहारे बिछड़े सितारे मिलते हैं ऐसे बोलो मान गए। एक तो छोड़ी फिर भी ना जोड़ी वो सा सा सारे गा 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 गारे तार दिलों के अब जोड़ दो। पा 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 पामा मारे गमामा कहती हूँ मेरा पीछा छोड़ दो। सा 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 सारे नी धा नी पा मा पा गा मा नी धा नी पा गा मा रे सा दे रे सा सा दे रे सा सा गा 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 मा रे रे सा सा हे नी धा नी पा मा पा गा मा नी धा नी पा मा पा गा मा नी धा नी पा मा पा गा मा पास पोड़ी गा मा उसको समय गा मा ताकिन चिन्ना ताकिन चिन्ना तेरे चिन्ना ताकिन चिन्ना ताकिन चिन्ना तेरे चिन्ना तेरे चिन्ना तेरे चिन्ना ताकिन चिन्ना ताकिन चिन्ना ताकिन चिन्ना सही मजा आ गया।
अगर इस पर कविराज होते तो और मजा आता। मजा तो आ गया, पर ये बताओ ये पार्टी की खुशी में? अरे भाई मैं नीना की मोहब्बत में एक कदम और आगे बढ़ गया। मुबारकबाद बाद में देना। अभी तो मैंने फिल्मी हीरो हीरोइन के जैसे डुएट गाना शुरू किया है, प्यार का इशारा किया है। प्रीतम इशारा किया है तो इशारा भी कर दो। हाँ वो कैसे? ऐसे हाथ पकड़ो अपनी तरफ खींचो और आंख में आग डालकर बोलो कि डार्लिंग आई लव यू। अरे बॉक्सर कहीं झटका झटकी में मोच आ गई तो मुसीबत हो जाएगी। बनकर अपना लेक्चर। लेक्चर नहीं पिक्चर, पिक्चर 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 हाउस। वो मेरे साथ हाथ में हाथ प्यार की बात, वो मेरे साथ हाथ में हाथ प्यार की बात, वो मेरे साथ हाथ में हाथ प्यार की बात, वो मेरे साथ हाथ में हाथ प्यार की बात। किसे मिलना है आपको? गुरुजी से। लेकिन वो तो घर में है नहीं। कोई बात नहीं, मैं उनकी भांजी से मिल लूंगा। लेकिन वो तो किसी जरूरी काम से बाहर जाने की तैयारी में है। कोई संदेशा हो तो दे दूंगी। संदेशा नहीं, ये टिकट देना था सिनेमा का। सिनेमा का टिकट? हाँ, दरअसल जाने वाला था मैं, मगर एक जरूरी काम आ गया, जा ना सकूंगा। सोचा ही टिकट बेकार जाएगा, आप उन्हें दे दीजिएगा। दे तो दूंगी, लेकिन वो कभी अकेली सिनेमा देखने नहीं जाती। आप उनसे कहिए तो, बड़ी अच्छी पिक्चर है, मजा आ जाएगा। अच्छा कह दूंगी। नमस्ते। सुनिए जी, अगर वो ये पूछे कि ये टिकट किसने दिया तो क्या कहूँ? उनसे कहिएगा तुम्हारे प्रीतम ने। क्या? मेरा मतलब है मेरा नाम प्रीतम है। आएंगी ना? कह दूंगी। नमस्ते। जहाँ भी गए हम ओ मेरे हमदम, नजारों की कसम तुम मिले। जहाँ भी मिले हम ओ मेरे हमदम, बाहरों की कसम गुल खिले। जहाँ भी गए हम ओ मेरे हमदम, नजारों की कसम तुम मिले।
हाथ वाला दिल मेरा कहे हम यहीं पे रह जाएंगे जहाँ भी गए हम वो मेरे हमदम नजारों की कसम तुम मिले जहाँ भी मिले हम वो मेरे हमदम बहारों की कसम गुल खिले हमारे हम तुम्हारे ये लुका छुपी है फिर इसलिए प्यार खोटा या खरा है मैं आज रही थी इसलिए तुम हमारे हम तुम्हारे ये लुका छुपी है फिर किसलिए प्यार खोटा या खरा भी मिले हम ओ मेरे हमदम बहारों की कसम गुल खिले जहाँ भी गए हम ओ मेरे हमदम नजारों की कसम तुम मिले जहाँ भी गए हम ओ मेरे हमदम नजारों की कसम गड़बड़ कुछ गड़बड़ बहुत ही गड़बड़ हुई है करेक्ट बर्बाद नहीं गड़बड़ क्यों शरा हाँ क्या गड़बड़ थी गड़बड़ ये हुई कि उसने मेरे साथ पिक्चर देखने का वादा किया था फिर लेकिन जब अंधेरे हॉल में मैंने उसका हाथ पकड़ा तो वो उसका हाथ नहीं था बल्कि उसके मामा का हाथ था मुझे तुम लोगों से ये उम्मीद नहीं थी यू आर राइट मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मेरे दोस्त के साथ नाइंसाफी हो और मैं देखता है तुम मुझे उस मामा के बच्चे का एड्रेस बताओ मैं पांच पांच मार के उसे फ्लैट कर दूंगा और नीना को उठाकर तुम्हारे कदमों में ला दूंगा करेक्ट दूंगा नहीं दूंगा अरे पशु स्त्री का हृदय कठोरता से नहीं नम्रता से वश में किया जाता बिल्कुल ठीक है अरे हाँ मुझे याद आया प्रीतम मेरे पास एक साधु बाबा का ठिकाना है सुबह होते ही मैं तुम्हें उनके पास ले चलूंगा मगर वो क्या करेंगे अरे तुम्हारे मन की कामनाएं पूरी कर देंगे अब मैं भी चलूंगा आप चलेंगे तो फिर बर्तन कौन मांझेगा अरे हाँ अच्छा प्रीतम गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट प्रीतम गुड नाइट प्रीतम गुड नाइट 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 ये तावीज लो तुम्हारी गर्दन सीधी हो जाए आपकी बहुत बहुत मेहरबानी महाराज आप धन जय काशी विश्वनाथ क्या तुम्हें फिल्म कंपनी खोल इसलिए पैसा चाहिए जरूर मिल जाए क्या तुम्हारी पत्नी तुम्हें मारती उसका भी पल पर अरे यार यहाँ तो बड़ी भीड़ भाड़ है अरे बड़े पहुंचे हुए साधु महाराज है मैं तुम्हें तभी तो यहाँ लाया हूँ मगर उनके दर्शन कैसे होंगे आओ उनके सेक्रेटरी से पूछे क्षमा कीजिए महाराज क्या आदमी के लिए भी बम्बई में यही सिस्टम हो गया क्या म्युनिसिपैलिटी की तरफ से कुत्तों के गले में नंबर का पट्टा तो लगता क्या बकते हो बाबा जी सुनेंगे तो क्रोधित होंगे मगर ये बोर्ड बाबा जी महाराज से जो पूछना है सो इस पर लिखना पड़ता है उन्हें कहाँ इतना समय है कि वे सबका दुख दर्द स्वयं पूछे वो तो पढ़कर उपाय बता देते बस समझा अगर पहले मालूम होता तो अपन भी एक बोर्ड ले आते तो चलो अब ले आए लेकिन महाराज बोर्ड तो यहाँ मिलता है तो फिर दे दीजिए एक रुपया एक रुपया सिर्फ एक रुपया ये लीजिए
धन्यवाद। अब अपना हाल बताइए। जी कान में बताऊंगा। हाँ ठीक। अब प्लीज चुप। अजी ये तो मामूली बात है, मैं अभी लिखे देता हूँ। लो भैया। अरे बाप रे, अरे बाप रे, अरे क्या कर मारो ना भैया, मेरा टोपी, मेरा टोपी, टोपी, मेरा टोपी, टोपी, लो टोपी साहब, थैंक यू, थैंक यू। आओ बच्चा, आओ। जय काशी विश्वनाथ। ले बच्चा, ये राख उसके ऊपर फूंक दे, भस्म हो जाएगी। भस्म हो जाएगी? ये क्या कह रहे हैं महाराज, मैं तो भस्म करने के लिए नहीं, अपने भस्म करने के लिए आपके शरण में आया हूं। तो ये फिर क्या लिखा है, पढ़। सौतेली माँ का कांटा कब निकलेगा? अरे वो तो मेरा बोर्ड है। ये लीजिए अपना बोर्ड। तभी मैं कहूं अगर मैं ये भस्म उस पर डाल देता तो, अगर सौतेली माँ का कांटा निकलने की बजाय और जम जाता तो। बोर्ड आपने बदला, आपने बदला, आपने बदला। शांत हो। जय काशी विश्वनाथ। जाओ बच्चा अपने स्थान पर बैठो। जी महाराज। जय महाभूति। लो बच्चा, ये फस उस लड़की के पेट में पहुंचाने का उपाय करो। पेट में? यानी इसे किसी चीज में मिलाकर खिला दूं? हाँ खिला दो, सब ठीक हो जाएगा। महाराज दक्षिणा? जी जी जी, हम भगवान के प्रसाद का दाम नहीं लेते। जय महाराज। केवल दान खाते 25 रुपए उस ब्रह्मचारी की पेटी में डाल दो, भला होगा। बोलो जय काशी विश्वनाथ। जय काशी विश्वनाथ। जय काशी विश्वनाथ। गुड मॉर्निंग मिस्टर डिसूजा। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मेरी किताबें आ गई? ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। ये लीजिए। ये मेरी किताब नहीं मिस्टर डिसूजा। ओह सॉरी, तो फिर ये होगी? ये भी नहीं। ये भी नहीं, तो फिर ये जरूर होगी। मिस्टर डिसूजा, ये नमस्कार। आप ये मिस्टर डिसूजा बने क्या कर रहे हैं? आपका इंतजार। मिस्टर डिसूजा कहाँ हैं? उन्होंने जुल्लाब ले रखा, आते ही होंगे। कहिए कल की पिक्चर कैसी लगी आपको? चली नहीं। जमती भी कैसे, मामा जी को अंग्रेजी कहाँ आती है? जी? कल आपकी जगह आपके मामा जी पिक्चर देखने गए थे ना? आपको कैसे मालूम हुआ? मैं जो वहाँ पहुँचा था। आप खुद गए थे? बिल्कुल, आपको अन्ना पाकर लौट आया। अरे तो आपने पहले क्यों नहीं बताया, हम और आप दोनों साथ साथ चलते। सच्ची? सच्ची। तो फिर अब भी क्या बिगड़ा है, चलिए पिक्चर चले। नहीं नहीं आज नहीं। अच्छा पिक्चर न सही, किसी होटल में चलते हैं, चाय बात पियेंगे। मिस्टर डिसूजा, आई एम गोइंग। वेट अ मिनट मिस्टर प्रीतम, आपका बुक मिला, हाउ टू मेक रोमांस। मिस्टर डिसूजा, यस, हम दोनों का रोमांस जम रहा है। अब आप इसे पढ़िए। विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच। ओ अगेन। तीन नंबर में जाता हूँ, आइए। यहाँ पर तो बहुत भीड़ है। चलिए वहाँ चलते हैं, वहाँ चलते हैं। चलो चलो। करिए क्या पिएंगे, ठंडा गरम चाय कॉफी? चाय पीने आए हैं, चाय ही पिएंगे। वेरी गुड बॉय। ये दो लोटे चाय। ये दो लोटे, आई मीन दो कप चाय। जबान फिसल गई। क्या देख रहे हैं जी? जी मैं देख नहीं, मैं सोच रहा हूँ। क्या? देखिए ना, बड़ी अजीब सी बात है, कोई कोई चीज ऐसी होती है जो आदमी को अपनी तरफ खींचती है, मगर उसे उसे खुद ही पता नहीं कि कौन खींचा चला रहा है। नहीं समझी? देखिए गिलास है, है और गिलास में पानी, अब इस पानी को क्या पता किसी की प्यास का। लेकिन अगर पानी में जान होती तो उसे जरूर मालूम होता। जिसमें जान है उसी को कहाँ पता है। जी जी चाय गरम, चाय गरम लीजिए। गरम है, गरम है। देखिए जब तक चाय ठंडी होती है हम लोग वजन लेने की मशीन पर देखते हैं कि किसकी किस्मत में क्या लिखा है। चलिए किसकी किस्मत में क्या
अरे आइए ना। हाँ चलिए चलिए। बदूर किराए का पैसा बोलो। सलाम है बोल माजी लाडली की पिएगी ठंडा मिठा खारा सोडा औखा के सौखा फिर चाह पीनी क्या लिखा है जल्दी ही किसी से प्रेम। अरे जरा मैं भी अपनी किस्मत देख लूं। अरे जल्दी ही किसी से प्रेम। अजीब बात है हम दोनों की किस्मत एक ही जैसी है सिर्फ जरा वजन में। अरे आपने चाय पी ली? और की हो गया जो आना रोना कानू है और तू और मंगाला अभी लाभ कर जाना है मगर मगर इस चाय में तो क्या था होना मेम साहब तू तो पानी पे शक्कर नहीं चपा दो चाह तो गर्म करके लाओ चाह बन गई। बाबूजी खाना खराब नहीं पुत्र की पे करने हैं मेरा हाथ फाड़। बाबूजी नीना नीना मुझे समझने की कोशिश करो आप छोड़ दो मुझे। नीना तू भी मेरा वो अकेले अरे बड़ा नहीं मैं करने हो छाने ओ छाने ओ छाने ओ छाने हाथ पे हाथ नीना सुनो तो क्या मेरे पीछे मत आओ झूठे लोग और बदमाश कहीं के। तुम मुझे कुछ भी कह लो मगर मेरी बात तो सुनो। सुनाओ उसी लड़की को जाके। अरे नीना 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 भगवान की कसम मैं उस लड़की को जानता तक नहीं उस पर जरूर उस पुड़िया का असर हुआ होगा। कैसी पुड़िया? वही जो मैंने साधु महाराज से लाकर चाय में मिलाई। चाय में? हाँ हाँ तुमसे कुछ कहने के लिए मुझे क्या कुछ नहीं करना पड़ा। प्रेस का रिपोर्टर बनना पड़ा सिनेमा का टिकट खरीदना पड़ा लाइब्रेरी का मेंबर बनना पड़ा लाखों कोशिशें करनी पड़ी मगर अफसोस फिर भी ना कह सका। क्या नहीं कह सके? यही कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। अरे अरे कह गया अब तो बतला अरे जालिम मेरी किस्मत में क्या है अब तो बतला। कह तो दिया सो दफा ये दिल तेरा है अब तो बतला अरे जालिम मेरी किस्मत में क्या है अब तो बतला। तूने मुझे किया मतवाला किया मत वाला मुझे क्या खबर थी नया नया था मैं दिल वाला अब तो बतला अरे जालिम मेरी किस्मत में क्या है अब तो बतला। ओहो कह तो दिया सो दफा ये दिल तेरा है अब तो बतला। ए देखो मुझे अब न सताओ अब तो मेरे पीछे मत आओ। ए देखो मुझे अब न सताओ हारे समझा के न बहकाओ अब तो बतला अरे जालिम मेरी किस्मत में क्या है अब तो बतला। ओ कह तो दिया सो दफा ये दिल तेरा है अब तो बतला।
आजा चल मिल के कहीं हम। जी हाँ समझे। आ आ आजा चल मिल के कहीं हम। जी हाँ समझे। ऐसे भूल नहीं हम। अजी जरा समझो क्या कहता है ये मौसम। अब तो बतला अरे जालिम मेरी किस्मत में क्या है। अब तो बतला ओहो कह तो दिया सौ सौ दफा ये दिल तेरा है। अब तो बतला क्यों चाचा खुद ही गोलियां खा रहे हो। मैं जरा चित्त को शुद्ध कर रहा हूँ चाचा। आज मैं बहुत खुश हूँ खुशी का कारण एक लड़की मिल गई। लड़की मिल गई। वो मिल गई वो मिल गई वो मिल गई। दिल हिल गए हम खिल गए हम खिल गए। अरे लड़की हाँ मिल गई। अरे लड़की हाँ मिल गई। लड़की का लड़का हाँ लड़की का लड़का जब। अरे भाई सच बोलना इसको ऑफिस में से तरक्की मिल गई। तरक्की मिल गई आशीर्वाद दीजिए। प्रीतम बहुत जड़ी बूटी। क्या है यानी कि बहुत अच्छा लड़का है। मैं कैसा हूँ। किराया निकालो। किराया वो मोटापा हरण गोली जो तुम्हारे नाम पेटेंट करवा रहा हूँ। अरे वो तो मैं एक साल से सुनती चली आ रही हूँ। तो एक दो महीने और सुन लो ना बेटी। सुनो मिस्टर प्रीतम कहाँ रहते हैं। जी इस कमरे में। अब तो बतला अरे जालिम मेरी किस्मत में क्या है। म्यूजिक। अरे कह तो दिया सौ सौ दफा ये दिल तेरा। अरे तुम आओ आ। ये है ये मेरा दोस्त जगदीश। नमस्ते। और वो है भीम सिंह बॉक्सिंग चैंपियन। मगर आपकी तारीफ। ये है नीना। आपके बारे में तो यहाँ हमेशा जिक्र होता रहता है। जगदीश ये क्या। समझ गया समझ गया। भीम सिंह चलो कहाँ बाहर जाना है। अरे हाँ ये तो हम भूल ही गए। नमस्ते। आओ नीना बैठो 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 ना। तुम मेरे घर में पहली बार आई हो। मैं क्या करूं। अच्छा 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 मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर लाता हूँ। नहीं नहीं प्रीतम मेरे पास वक्त होता तो मैं तुम्हें खुद चाय बना के पिलाती। तुम बहुत जल्दी में हूँ। क्यों क्या बात है। पिताजी का तार आया है मुझे पूना जाना है। पूना ना। हाँ देखो कम बाय फर्स्ट ट्रेन डैडी। नीना इसका मतलब ये हुआ कि तुम मुझे अकेला छोड़कर चली जाओगी। नहीं नहीं प्रीतम जाना तो मैं भी नहीं चाहती लेकिन मजबूरी है। मजबूरी। ये मजबूरी हमेशा प्यार के रास्ते में दीवार बन के खड़ी हो जाती है। अब मैं क्या करूं। अब मैं क्या करूं। नीना मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकता। मैं भी तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रह सकती। नीना अगर तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारी शादी किसी दूसरी जगह कर दी तो मैं जहर खा लूंगा। जी जी ऐसा नहीं कहते लेकिन अगर मेरी गैर हाजिरी में तुम मुझे भूल गए या किसी और लड़की से प्रेम करने लगे तो। नहीं नीना मैं सच्चे दिल से तुम्ही से प्यार करता हूँ और हमेशा तुम्ही को प्यार करता रहूंगा। मैं कसम खाकर कहता हूँ कि हम दोनों साथ जिएंगे साथ मरेंगे। प्रीतम नीना हम लोग साथ जिएंगे साथ मरेंगे याद रखना। हाँ अब मैं चलती हूँ। इतनी जल्दी। हाँ मिस्टर डिसोजा को ये किताब दे देना। अरे तुम्हारी तस्वीर। समझ गया। और तुम्हारी तस्वीर मेरे दिल में। नीना ये क्या हो रहा है। अरे कौन है ये। ये लड़की। लड़की इस कमरे में। इस कमरे में कैसे आई। कैसे आई। क्यों आई। क्यों आई किस लिए आई। मेरा मतलब है बात दरअसल यह है चाची कि ये मेरी माताजी के इकलौते बेटे के बाप की होने वाली बहू है। नमस्ते करो चाची को ये हमारे चाल की चाची है। नमस्ते वास्ते समझी। लेकिन तुम दोनों इतने पास पास खड़े क्या कर रहे थे। हाँ, क्या कर रहे थे क्या कर रहे थे। अरे हाँ दरअसल इनकी आँख में तिनका चला गया था मैं तिनका निकाल रहा था। अच्छा हाँ। इनकी आँख का तिनका निकालने के लिए
मेरी आंख में धूल क्यों झोंक रहे हो? दरअसल ये है चाची, मेरा मतलब है। मेरा मतलब है मैं। अरे ओ जड़ी बूटी, ये क्या मतलब समझा रहा है तू है? चाचा ओ, ओ मुनि देवी, क्या मतलब समझा रहा था ये तुम? चाचा चाचा मैं कह रहा था ना कि जब दूर का रिश्ता नजदीक आ जाए तो क्या होता है। हाँ एक बार तुमने कहा तो था कि जब दूर का रिश्ता नजदीक आ जाए तो आ गया क्या? आ गया। ओ मैं समझ गया। तुम सबका दिमाग खराब है, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। बाबा तुम इन बातों को क्यों समझती हो? तुम सिर्फ मुझे समझो। तुम चुप रहो जी। अच्छा जी तो तुम जाकर चाली में किराया इकट्ठा करो ना। मैं जाती हूँ, लेकिन चाली के कायदे कानून प्रीतम को तुम फिर से समझा दो। क्या कायदे कानून है चाली के? अरे बकती है, खाम खा के कायदे कानून बना रखे हैं। कहती है अगर चाल में रहना हो तो प्यार न करो। अबे ओ जड़ी बूटी, जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हें हर चीज की इजाजत है, मगर एक बात का ध्यान रखो कि जिससे प्यार करो उससे निभाओ, शादी करो और घर बसाओ। ये हम सबके चाचा हैं, बड़े हमदर्द हैं। पैचू मतलब जीती रहो। भगवान तुम दोनों की जोड़ी सलामत रखे हैं। नदी में जा गिरा, 12 मरे, 27 घायल। मरने वालों के नाम उसे शांति स्वरूप जैन लोगों नीना शर्मा। नीना। इसीलिए मैं तुम सबको प्रेम करने से मना करती थी। देखा नतीजा, दोनों में कितना प्यार था। था नहीं है, और 7 जन्म तक रहेगा। मुझे जाने दो, मैं नीना के पास जाऊंगा। मैं उसके बगैर नहीं रह सकता, मैं खुदकुशी कर लूंगा। नीना मैं खुदकुशी कर लूंगा। अरे भाई खुदकुशी कैसे कर लेगा, आजकल तू ऊपर जाने का पासपोर्ट ही बंद हो गया है। क्या सचमुच? मगर तुम अपनी फिक्र ना करो। प्रीतम लो गरम गरम दूध पी लो, तबीयत ठीक हो जाएगी। हटा लो, अब तबीयत ठीक करने से क्या फायदा। वियोगी जी, नीना नहीं तो कुछ भी नहीं। सदा विश्वासघात करती है। क्या कहा? जड़ी बूटी, इन्होंने तुम्हारे बारे में नहीं कहा। जगदीश मुझे एक रस्सी मंगवा दो। लस्सी नहीं, रस्सी। भैया रस्सी क्या करोगे? मैं खुदकुशी करूंगा। हम तुम्हें खुदकुशी नहीं करने देंगे। अच्छी बात है। तो फिर मैं भूखा रहूंगा, प्यासा रहूंगा, तड़प कर अपनी जान दे दूंगा। ऑफिस जा रहे हो ना इस हालत में? हालत कैसी भी हो मगर ऑफिस जाना जरूरी है। अरे भाई को खाना वाना खाया? न खाया है न खाऊंगा। अजीब जड़ी बूटी है तू भी, चल खाना खा। नहीं, मुझे ऑफिस जाना दो, मुझे ऑफिस जाना दो, मैं नहीं खाऊंगा। अरे भाई खाना लाओ इसके लिए। ये खाना किसने पकाया है? हमने। मैंने। जब ये लोग मेरा इतना ख्याल रखते हैं तो फिर मैं इन लोगों का ख्याल क्यों ना रखूं? जरूर रखो। खा जाओ। कोई बात नहीं, इसको आलू हजम चूरम दे दूंगा मैं। खा ले, दाल खाओ, चावल भी। करेक्ट, आस्ते करेक्ट। राम भजन कर प्राणी, तेरी 2 दिन की जिंदगानी। भूला फिर जगत में। कहाँ जा रहे हो? दूध लेने जा रहा हूँ, रोज रोज मुझे ही दूध लेने भेजते थे।
अरे भाई ये तो हमारे ऑफिस के दोस्त हैं। आ जाओ बाहर आ जाओ। जी माफ कीजिए, हम बाहर नहीं आ सकते, हम घरेलू ड्रेस में हैं। आ जाओ बाहर आ जाओ। इनसे मिलिए, ये हैं कवि सम्राट वियोगी जी, कविताएं लिखते रहते हैं। नमस्ते। नमस्ते कवि महाराज, मुझे भी कविता से बड़ा प्रेम है। बस इनसे मिलिए, ये हैं भीमसेन बॉक्सर, बॉक्सिंग करते रहते हैं। ओ माय, बॉक्सर। नमस्ते। और वो हैं जगदीश बस, क्रॉसवर्ड पजल करते रहते हैं। ओ क्रॉसवर्ड, मुझे भी इसका बहुत शौक है। शौक नहीं, शौक। अब सबका इंट्रोडक्शन हो चुका, अब चलने की तैयारी कीजिए। मगर कहाँ? नहीं मेरी तबीयत ठीक नहीं। मामा हम तुम्हारा जी बहलाने के लिए आए, तू नहीं चल रहे। नहीं प्रीतम चलो, कुछ तुम्हारा दिल बहलाएगा कुछ। बदलती है बदल जा प्यारे, तू भी जीवन के नए सांचे में ढल जा प्यारे। मौसम आए मौसम जाए, फिर खिल जाए कलियां। मौसम आए मौसम जाए, फिर खिल जाए कलियां। अपने आप खुलती जाए अरमानों की गलियां। तू भी भूल के सबको, अरे तू भी भूल के सबको, आज मना रंग रलियां। रंग ये दुनिया बदलती है बदल जा प्यारे, बदल जा प्यारे। दिल का साज जब छिड़ जाए, धड़कन गाने गाए। अरे दिल का साज जब छिड़ जाए, धड़कन गाने गाए। फिर एक शाम की पहचान अफसाना बन जाए। जीवन वो धारा है, हर जीवन वो धारा है, जो बंध के रहना पाए। बदल जा प्यारे, तू भी जीवन के नए साथी, बदल जा प्यारे। जब तक सांस तब तक आस, सच कहते हो यारो। अरे जब तक सांस तब तक आस, सच कहते हो यारो। है दिन चार मौज बहार, कल को गोली मारो। जब तक जैसी गुजरे, अरे जब तक जैसी गुजरे, हंसते हुए गुजारो। रंग ये दुनिया बदलती है बदल जा प्यारे,
नीना, तू 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 जिंदा है? हाँ, मैं तो जिंदा हूँ, मगर मगर फूफी जिंदा है ना? वो तो जरूरत से ज्यादा जिंदा है, नाचता है, गाता है, खाता है, पीता है, हंसता है, कूदता है, गरज के मजे ले रहा है। मजे ले रहा है? कहाँ है वो? वो आज ऑफिस वालों के साथ पिकनिक पर गया। पिकनिक पर? तो क्या उसको मेरे मरने की खबर सुनकर कोई दुख नहीं हुआ? हुआ था। पहले दिन बेचारा बेहोश रहा, दूसरे दिन उसने खाना बंद कर दिया, तीसरे दिन वो रोता रहा, चौथे दिन तुम्हारी तस्वीर के ऊपर उसने हार चढ़ाने शुरू कर दिए और उसके बाद वो भी बंद कर दिए। वो भी बंद कर दिए? हाँ, वो भी बंद कर दिए। तो फिर सासाजी ने मरने की कसमें सब भूल गए, सब दिखावे का प्रेम था। अरे बेटा, क्या हुआ क्या हुआ? घबराओ नहीं, अंदर आओ अंदर आओ, तुम्हें आराम की जरूरत है। यहाँ बैठो आराम से, यहाँ बैठो 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 ऐसे। हाँ, दिल की गड़बड़ मालूम होती है। ठहरो, मैं तुम्हारे लिए दिल संभाल गोलियां लाता हूँ। मुझे कोई गोलियां नहीं चाहिए चाचा, दिल टूट गया है। ये बात है तो दिल जोड़ गोलियां देता हूँ चाचा। बताओ ना, बात क्या है? बोलो। कुछ नहीं चाचा। कुछ नहीं तो मैं तुम्हें दवा कैसे दूंगा? बताओ पहले, बताओ क्या है चाचा। हमने एक दूसरे से वायदा किया था सीरियसली कि अगर वो मर गया तो मैं जिंदा नहीं रहूंगी, और अगर मैं मर गई तो वो जिंदा नहीं रहेगा। लेकिन चाचा, दुख तो इस बात का है कि मैं मर गई, वो अभी तक जिंदा है। क्या बच्चों की बात है कि मैं मर गई तो वो जिंदा मर गए, दोनों मर गए। में अटका रे अटका रे अटका, ओ मुझे लगाओ सजन तेरे प्यार में कैसा झटका रे झटका रे झटका। हैप्पी सॉन्ग, इस झटके का तो मैं मुंह नोच लूंगी। बात कर रही हो, चलो मिला हूँ सर तुम्हें। चाचा! अरे भाई आता हूँ, चलो चलो। नहीं चाचा, तुम्हें भगवान की कसम, अगर तुमने उस झटके से कहा कि मैं जिंदा हूँ। अरे ओ चाचा के बच्चे! अरे आता हूँ भतीजे की औलाद। अरे ओ चाचा, कहाँ गए चाचा? ओ मेरे चाचा! एकदम फंस गया, मजा आ गया, मजा आ गया। नाच गाने, हंसी मजा, धूम धाम। चाचा अगर तुम हाँ होते ना तो जवान होकर नाचने लगते। आहिस्ता बोल भाई। अरे आहिस्ता क्यों बोलूं? 15-20 लड़कियाँ एक साथ। मारा जाएगा मत बोल। एक से एक हसी, नाजनी, महजबी। क्या बताऊं चाचा, वाह 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 वाह। कौन खाता? मैं। चाचा ये खांसी तो जनाना मालूम होती है, एक बार फिर से खा तो। वो सुर नहीं लगे, हट जाओ। अरे भाई खांसी है, कोई क्लार्नेट तो नहीं भाई? तो चाचा ये मुन्नी देवी को जड़ी बूटी खिला दी। बोल मुन्नी देवी सुन लेगी तो मुसीबत तो आ जाएगी। मैं कहता हूँ मुन्नी देवी नहीं है। तो फिर कौन है ये लड़की जिसे देख तभी ये तो फड़की? कौन है ये चाचा? ये तू नहीं जानता, तू नहीं जानता। हमसे पूछे बगैर ही शादी कर ली? क्या बेवकूफ है तू, कहीं मुन्नी देवी ने सुन लिया तो मैं सारी उम्र कुमार ही रह जाऊंगा। ऐसी बातें मत कर। ये अरे भैया बता दो ना मैं कौन हूँ। बताता हूँ, मैं तो इससे मजाक कर रहा था। देखो ये मेरी बड़ी बहन है। बड़ी बड़ी बहन? इस रिश्ते से तू हमारी मौसी हुई? जयराम जी की मौसी जी। जीते रहो बेटा। तूने
मेरे पाँव पे। चाचा, ऐसा लगता है मौसी जी अखाड़े से चली आ रही हैं। बेटा अभी तो ये खुश हैं तो ये आलम है, अगर कहीं गुस्से में हो तो जड़ी बूटी से काम लेती है। जड़ी बूटी? हाँ, जूते से, जूते से। बापरे 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 बापरे। भाई कुछ भी कहो, मुझे ये लड़का बहुत पसंद है। बंद करो चाचा, लड़का पसंद है लड़का पसंद है, बदमाश धोखे बात कहेगा तो मैं वो मजा चखाऊंगी कि जिंदगी भर याद रखेगा। क्या मजा चखाऊंगी? सुनो, गुड मॉर्निंग चाचा। अरे आओ इधर। आया। ये क्या पढ़ रहा चाचा? ये इनविटेशन कार्ड। कहाँ का? आज रात को एक पार्टी है, मैं डांस देखने जा रहा हूँ। चाचा तुम और डांस? तो क्या हुआ? अरे तुम तो बुढ़े हो गए हो। अरे बुढ़ा तेरा बाप रे, तुम तो जवानों के भी जवान हो। ऐसा बोलना, देख जड़ी बूटी आज रात को तू भी मेरे साथ चलेगा। मैं? हाँ? नहीं नहीं चाचा, मेरा कहीं दूसरी जगह अपॉइंटमेंट है। अरे अपॉइंटमेंट को गोली मार, मिस एडना देख। क्या? मिस एडना अभी अभी फिनलैंड से आई है, क्या डांस करती है, चक्कर में आ जाओगे देखकर। तो चाचा जरूर चलेंगे आज शाम को। अच्छा ओके। मौसी गई? बुलाओ। नहीं नहीं चाचा। हाँ मगर रात को आ जाना जल्दी। आता हूँ। बेटा ये मिस एडना वाम किस कमरे में है? मुझे उनसे मिलना है। आवा आवा। आता आता। आहा, बिल्कुल वही, मेरा ख्याल बिल्कुल ठीक निकला। वही चेहरा, वही नाक, वही दांत, वही हंसी, सब कुछ वही, सब कुछ वही। सिर्फ आंखें जरा। आप कौन छा? हम आपका फैन। फैन? मेरा मतलब है दूसरा फैन। दूसरा फैन? इंडिया बहुत गला। ओ आप नहीं समझा, हमारा मतलब है आप बहुत अच्छा डांसर। आप एक्सीलेंट डांसर। चावा 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 चावा। बस अब हम खड़े हो जाएं। चूहे का बेटा। चूहे का बेटा? क्या बकती है? नो नो, चूहे का बेटा। बैठो बैठो। ओ आपका मतलब है हम बैठ जाएं? शुक्रिया शुक्रिया। हाँ तो मैं क्या कह रहा था? मैं कह रहा था कि आप एक वेरी वेरी बिग डांसर और हम एक वेरी वेरी बिग रिपोर्टर, हम आपका इंटरव्यू लेना मांगता। इंटरव्यू? नो नो, इंटरव्यू प्रोप्राइटर मालिक। देखिए मैं ये नहीं चाहता कि हम दोनों के बीच में कोई ऐरा गहरा न सुखहरा आ सके। मेरा मतलब है आप डांसर, मैं रिपोर्टर, मालिक कट। आपकी तारीफ? मिस्टर आर एल माचोर, एमेचोर बॉक्सिंग चैंपियन और इस होटल का मालिक। ओह ओह, बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। बस ओह ओह, दरअसल मैं नटराज का रिपोर्टर हूँ, इनका इंटरव्यू लेने आया था। तुम नटराज का रिपोर्टर है? यस सर। सोच लो। श्योर सर। मिस्टर शर्मा। ओह प्लीज, थैंक यू। मिस्टर एन एच शर्मा, नटराज का रिपोर्टर। बड़ी खुशी हुई। तुम नटराज का रिपोर्टर? यस प्लीज। तो ये कौन? मैं कौन? हाँ दरअसल 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 मैं यमराज का रिपोर्टर है, यमराज। तुम फिर कभी एडना वॉन्ग को इधर मिलने आया, हम तुमको सीधा यमराज के पास पहुंचा देगा, समझा? यस सर। गेट आउट। थैंक यू मिस्टर माथुर। ओह इट इज नथिंग, हम आपके लिए कुछ भी कर न सकता है। क्षमा। शूट। उठो उठो उठो, कहां सब लोग? अरे जगदीश उठो, ए भीमसेन उठो, उठो खुशखबरी खुशखबरी, उठो 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 उठो। क्या? अरे यार तुम तो डांस देखने गए थे ना? जगदीश मुझे नीना मिल गई। नीना? अरे यार सपना देख रहे हो क्या? भीमसेन मुझे नीना मिल गई। नीना? नो इम्पॉसिबल,
भांति कर आए हो क्या? योगी जी मैं सच बोल रहा हूँ, मुझे नीना मिल गई। अब मैं कैसे यकीन दिलाऊं? मैं सच कहता हूँ, हूबहू वही शक्ल, वही नाक, वही आंखें, सब कुछ वही। मेरे ख्याल से नीना ने मेरे लिए दूसरा जन्म लिया है। तुम्हारे ख्याल से? पर भैया मेरे ख्याल से नीना को मरे हुए 9 महीने भी नहीं हुए, जन्म कहाँ से ले लिया? अरे भैया उसने एडना के रूप में जन्म लिया है। कौन एडना? कहाँ एडना? कैसे एडना? अरे भाई एडना डांसर, डांसर एडना। अरे पर भाई वो है कहाँ यार? ये रही, ये एडना है, ये एडना का कार्ड है। तुम मेरी मदद करो, तुम मुझे फिर से बाबा जी के पास ले। अरे भैया सुबह तो होने दे, मैं तुझे बाबा जी के पास ले चलूंगा। अभी तो आराम कर और आराम करने दे। गुड नाइट। अभी तो आराम कर और आराम करने दे। गुड नाइट। अजीब बात है, कोई मेरी नहीं सुनता। मैं सुनूंगा, कहो गुड नाइट। गुड नाइट। अरे ओ मेरी बेटी, अरे ये सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? चाचा चाचा, अडना को बस में करने के लिए मैं इसे कुत्ते वाले बाबा के पास ले जा रहा हूँ। अरे कुत्ते वाला बाबा क्या करेगा, अडना को बस में लाने के लिए मेरे पास चुटकी मंत्र है। चुटकी मंत्र? क्या मतलब? मतलब ये कि बस दो चुटकी मारेगा तू तो काम सीधा हो गया। वो कैसे हो जाएगी? अभी बताता हूँ। ये देखो ये दो गोलियां हैं, ये तुम खा लो, ठहरो। ओम रिद्धि सिद्धि प्रीतम अर्थ एडना स्पर्शकानी कृष्णानी भू भित्राणी चित्रणों ने भू घो नाथी भू 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 भू। अरे दोनों खा लो। शाबाश। अब देखो अगर उसके सामने चल रहा है, उसके सामने ऐसे दो चुटकियां बजाएगा तू ना, तो तुमसे प्रेम करेगी। अच्छा? अगर कहीं गलती से एक बजा दी तो थप्पड़ आएगा सीधा। अच्छा अच्छा, तुम चला। प्रीतम डार्लिंग ठीक है? जाओ। अच्छा तुम्हें क्या हो गया? गोलियों का असर हो गया भाई। हाँ तुम उधर जाओ, मैं टेलीफोन करके। अरे वाह एडना स्पीकिंग, जड़ी बूटी। ओह चाचा, कहिए उधर की क्या हाल है? अरे हाल बेहाल है, मछली जाल में फंस गई है। मैंने उसे चुटकी मंत्र दिया है, देखो जब वो तुम्हारे सामने आए दो चुटकी बजाए तो उससे प्रेम करना, अगर एक चुटकी बजाए तो धार से थप्पड़ मारना। हाँ समझ गई ना? अच्छा आने दीजिए, चुटकी मंत्र की अच्छी तरह सेवा करूंगी। बाय बाय। गुड इवनिंग मैडम। अरे तुम फिर आ गए? यू आर बदमाश लोफर, हमने मिस्टर माचो को बुलाया था, बिल्कुल यस पॉइंट मारेगा। माचो माचो। माचो को क्यों बुलाता? अरे तुम बात क्यों करला अंडिला? आया आया। ओ जियो चाचा जियो। इच्छू की बेटी एडना डार्लिंग, हम कल तुमसे झूठ बोला था। झूठ बोला था? हाँ, हम प्रेस का रिपोर्टर नहीं बल्कि मोहब्बत के सागर में डूबा हुआ फिलोसोफर लवर बॉय है, जो तुम्हारे प्यार के सागर में तैरना चाहता है। तैरना? चलाऊंगी, जरूर चलाऊंगी, मगर हमको कैसे पता चलेगा कि तुम सच बोलता? ओ अगर तुम कहो तो हम तुम्हारे लिए आसमान के तारे यूं तोड़ छाया। तुम कैसा डार्लिंग है, अभी तो तुम बोलता होता कि तुम हमसे मोहब्बत करता। हम तुमसे मोहब्बत नहीं। डार्लिंग डार्लिंग, तुमको क्या हुआ डार्लिंग? मैंने सिर्फ एक चुटकी डार्लिंग। अरे ये हमारे हाथ में जूती कैसे आ गया? कुछ नहीं डार्लिंग, ये जूती तुमने मुझे मारने के लिए उठाया था। ओह नो डार्लिंग। यस डार्लिंग। आई एम सॉरी डार्लिंग। कोई बात नहीं डार्लिंग, चाहे तमाचे मारो चाहे जूती, मेरा प्यार हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। डार्लिंग यस, तुम कुछ खाएगा? खाने का प्रोग्राम 2 मरतबा हो चुका। तो फिर कुछ पीने का प्रोग्राम हो जाए, छोटा लेमन ऑरेंज कोला। अरे अरे तुमने तो पूरा कैंटीन खोला। मुझे कुछ नहीं चाहिए डार्लिंग, प्यार की प्यास प्यार से बुझती है। तुम
तुम हमको इतना लव करता है डार्लिंग? यस डार्लिंग, अगर मेरा बस चले तो मैं तुम्हारे लिए ये क्या डार्लिंग? ट्रेड सीक्रेट। हाँ तो मैं क्या कह रहा था, मैं तुम्हें पाने के लिए सब कुछ कर सकता हूँ। सब कुछ कर सकता है? यस डार्लिंग। सच्ची? बाय गॉड। डार्लिंग। यस। ये मच्छी माँ का पिक्चर कितना अच्छा दिखता। हाँ बहुत अच्छा दिखता, बहुत अच्छा। तुम ऐसा बन सकता? चाका? हाँ हम और मच्छी मार पागल हो गई हो। तो कहता था तुम हमारे लिए सब कुछ कर सकता। हाँ हम तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकता, मगर मच्छी मार। अच्छा अच्छा, हम तुम्हारे लिए मच्छी मार बन जाएगा बस। तो तुम कल ऑफिस में मच्छी मार बन के जाएगा? क्या कहा? ऑफिस में और मच्छी मार बन के? मगर अच्छा अच्छा अच्छा, हम ऑफिस में मच्छी मार बन के जाएगा। तो कल हम तुम्हें ऑफिस में देखने को आएगा? तुम भी ऑफिस में देखने को आएगा? मगर अच्छा अच्छा, हम तुम्हारे लिए मच्छी मार भी बन जाएगा, मच्छी मार भी बन जाएगा। हम तुम्हारे लिए सब कुछ करेगा, मच्छी मार भी बन जाएगा, मच्छी मार भी बन जाएगा। मैं मछेरा प्रेम नगर का, मैं मछेरा प्रेम नगर का, कोई न जाने मेरी पीर, मिल जाए जो कहीं मछेरन, बन जाए तकदीर, ओ चाचा बन जाए तकदीर। क्या कारण भेष बदलने का? पहले ये बताओ कि मैं कैसा लगता हूँ इस बात में? अरे जैसा लगना चाहिए वैसे ही लग रहा है, मगर कारण तो बता। बताता हूँ। मैं मथेरा प्रेम नगर का, कोई न जाने मेरी पीर, मैं मथेरा प्रेम। अरे ओ मछेरे, ये सब किसके लिए? ये सब उसके लिए। उस किसके लिए? मेरा मतलब है चाचा, आज मेरा फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन। ओ फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन, मगर कहाँ? मेरे ऑफिस में। ओ तो फिर मैं भी चलूंगा। ना चाचा, वो सिर्फ ऑफिस के लोगों के लिए है, और स्टाफ ओनली। अच्छा चाचा मैं चला। मैं मथेरा प्रेम, सॉरी चाचा, मैं मथेरा प्रेम। बदमाश तेरे कॉम्पिटिशन तो जानता हूँ मैं, मम्मी बहुत बड़ी जड़ी बूटी। इतना डार्लिंग तुम? हमने तुमको बोला था ना कि हम तुमको देखने को आएगा। देख लो, जी भर के देख लो। मेरी स्पीच, तुमको एकदम मच्छी मार बन गया। अब हम ऑफिस में जाता है। गुड लक। गुड लक। ए किधर जाता है? ये मछली बाजार नहीं है, ऑफिस है ऑफिस। जरा कहीं का पहचानता नहीं मुझे? प्रीतम साहब माफ कीजिए, मैंने आपको पहचाना नहीं। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये मेरा नया ड्रेस कैसा लगा? वेरी गुड, बहुत अच्छा है। कचरे हो क्या? लेकिन आज अचानक आपको ये ड्रेस पहनने की क्या वजह हुई? मोहब्बत यानी कि लव यानी कि प्यार। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये तो सिर्फ ड्रेस, मोहब्बत के लिए आदमी क्या नहीं कर सकता। अगर मैं राजा होता तो राज छोड़ देता, शादीशुदा होता तो बीवी छोड़ देता, आलू होता तो आलू बुखारा बन जाता। ये क्या शोर मचा रखा है? व्हाट इज दिस? प्रीतम। यस सर। ये क्या? कुछ नहीं सर, मैंने ड्रेस चेंज किया है, पसंद नहीं आया आपको? आपने समझ क्या रखा है? ऑफिस के डिसिप्लिन का तो ख्याल किया होता। जाइए ड्रेस बदल कर आइए। यस सर। नो सर। व्हाट? हम लोग डेमोक्रेटिक कंट्री के रहने वाले हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। व्हाट? कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हर आदमी अपनी मर्जी का मालिक होता है। अगर आप अली बाबा का ड्रेस पहनकर आए तो मुझे कोई इतराज नहीं होगा। व्हाट यू मीन बाय दैट? दिमाग तो सही है ना? यस सर बिल्कुल सही है। अभी जाके ड्रेस बदल करके आओ, वरना मुझे मालूम है। वरना क्या आप मुझे मारेंगे? मारूंगा नहीं, मैं तुम्हें अभी इसी वक्त डिस्मिस करूंगा। मैं मर जाऊंगा अगर आप ऐसा करेंगे तो। मैं इसके खिलाफ आंदोलन करूंगा, जुलूस निकालूंगा, झंडा उठाऊंगा। शट अप, जो कुछ करना है बाहर जाके करो। मिस्टर फुटकर। यस सर। अभी इनका नोटिस था। अभी खबर से मिस्टर फुटकर को तकलीफ देने की कोई जरूरत नहीं, जो कुछ कहना है अपने हाथों से लिख देता हूँ। नॉनसेंस।
दफा। लेडीज एंड जेंटलमैन, बाय बाय। सर, एक लड़की के प्रेम प्रेम में पढ़कर ऐसा करना पड़ा। आप मेरे बड़े भाई के समान हैं। गुस्ताखी माफ करके आज की छुट्टी भी दे दीजिए। नॉनसेंस, कल से ड्यूटी पर ठीक तरह से आ जाऊंगा। यू आर नॉट ए फेलो मिस्टर पिंपोटकर, देयर इज नो नीड ऑफ टाइपिंग दैट नोटिस एनीमोर। फाइल दिस। इतना डार्लिंग, तुमने देखा? यस यस, तुमने तो कमाल कर दिया। आज हम बहुत खुश हैं। तो हम प्रेम की परीक्षा में पास हो गया? ऑफ कोर्स, फर्स्ट क्लास में पास हो गया। फिर शादी की बात? शादी की बात ऑफिस में नहीं करेगा। तुम शाम को होटल में आओ तो डिसाइड करेगा। होटल में? ओके ओके, बाय बाय। बाय बाय। ओ मैंने मछुवे का भेष धरा, सितम गरज तेरे लिए। एडना डार्लिंग। अरे तुम आ गया? यस डार्लिंग, ये लो मेरे प्रेम की पहली निशानी, इसे स्वीकार करो। थैंक यू वेरी मच डार्लिंग, कितना अच्छा फूल है। यस डार्लिंग, इन फूलों में मेरी मोहब्बत की खुशबू बसी हुई है, इसे सूंघो। तो फिर देर किस बात की, चट मंगनी और पट ब्याह। चलो इसी वक्त किसी पादरी या पुरोहित से मिलकर शादी कर लें। ओ नो, इतना जल्दी कैसे होने को सकता है? अब रुकावट काहे की? मिस्टर मधु से परमिशन लेने को मांगता। यो मटरफली का बच्चा, अगर मैं उसकी कितनी कटमुछे उसके मुंह से निकाल कर घास लेट के तेल में न चला दू तो मेरा नाम प्रीतम शर्मा नहीं। व्हाट यू स्काउंडल, हम फिर कभी इधर आया तो हम तुम्हारा मुंडी काट के तुम्हारा हाथ में रख देगा। बदमाश, इतना चैलेंज ये अभी तुमको फॉलो करता। प्रीतम घबराने की बात नहीं, तुम्हारे साथ मैं भी हूँ। हाँ हाँ प्रीतम, प्रीतम तुम मुझे उसका नाम बताओ, मैं और उसकी कठुमर नहीं निकाल दूँ तो मेरा नाम भीम सिंह नहीं। चलो मेरे साथ, चलो 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 चलो। अरे साइलेंस साइलेंस प्लीज साइलेंस, जल्दबाजी से काम करना ठीक नहीं। सुनो, करेक्ट, बिल्कुल ठीक। अरे तुम भी आ गया? किधर गया वो मटर फल्ली का बच्चा? अभी आता, लेकिन तुम तो लड़ने के लिए आया। जाओ इधर से, प्लीज जाओ। हम नहीं जाएगा, उस दिन मंगलवार था, मेरे उपास का दिन था। आज हम पेट भर के खाना खा के आया है, एक ही पंच में उसका थूबड़ा। वेरी गुड वेरी गुड, उस दिन का पंच भूल गया, उसी का जवाब देने आया है। उसी का जवाब देने आया है। गेट रेडी, कम ऑन। हे अली, तुम तो डर गया। हम डरा नहीं, हमने पैंतरा बदला, हमने पैंतरा बदला। प्लीज डरला मत करो। नो नो नो, इतना डार्लिंग तुम हट जाओ, हम इस मेंढक को खसनल की तरह मसल डालेगा। हट जाओ स्वीट लेडी, हम इस कौवे को मसल कर। वन टू थ्री गेट अप। अरे कौवे, मैं इस मासूम अबला के सामने तेरा खून नहीं बहाना चाहता। ओके ओके, तुम जिधर मर्जी को मांगता हम उधर चलेंगे। तो फिर चलो चलो स्टेज पर। घंटी बच्चा ऐसे डालू, तुम स्टेज पे जाओ, हम इस खटमल को खत्म करके आ दिया था। ओके, अटेंशन, बैकवर्ड मार्च।
हैप्पी 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 हो गई शाम, दिल बदनाम लेता जाए तेरा नाम, लाख मनाऊं नहीं माने, नहीं माने, नहीं माने, ओ हो गई शाम। ने मुझको ढकेला, ओ तुम आ जाओ लौटा लाओ वो गुजरे जमाने।
इतना डार्लिंग। इतना डार्लिंग। तुम हमसे नाराज हो गया? तुम स्टेज पर क्यों आया? ओ, तुम गाना गाया, हम खींचा चला आया। लेकिन तुम तो मिस्टर मजूर के साथ बॉक्सिंग करता था। हम उस मैटर का मटन चॉप बनाया, चार पंच ऐसा मारा कि वो कल शाम तक बेहोश रहेगा। ब्रेव मैन। बहादुरी दिखाया। हम तुमको हासिल करने के लिए सब कुछ कर सकता है। ये क्या करता? मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या? जल्दी से राजी हो जा तो हम लोग शादी कर लें। लेकिन इसके लिए तो हमारे अंकल से परमिशन लेने को मांगता। अंकल? नो। यस। कोई बात नहीं, तुम हमको अपने अंकल से मिलाओ, हम सब ठीक कर देगा। कल शाम को? हम शाम को क्यों, सुबह क्यों नहीं? शाम को। बाय 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 बाय। बुद्धम शरणम गच्छामि। बुद्धम शरणम गच्छामि। विश्वास क्या तक आप सब जानते हैं भगवान, मैं यहाँ की एक युवती से प्रेम करते हो? हाँ, उससे विवाह करना चाहता हूँ। अगर आप आज्ञा दें तो वो तैयार हो सकती है। क्या नाम उसका? एडना वोंग। तुम्हारा नाम? प्रीतम शर्मा। शर्मा? तो फिर मुश्किल है। मुश्किल है भगवान, अगर ये शादी नहीं हुई तो मैं खुदकुशी कर लूंगा। भगवान के चरणों में आत्महत्या नहीं करेगी। अच्छा, हम आज्ञा देते हैं, परंतु। परंतु क्या? ये बताओ कि पहले तुमने किसी लड़की को पत्नी माना? नहीं भगवान, मेरी तो अभी सगाई भी नहीं हुई। सोच लो, अच्छी तरह सोच लो। सोच लिया, अच्छी तरह सोच लिया, सपने में भी नहीं। ये क्या? भगवान के चरणों में जो झूठ बोलता है उसके सर पर घंटी गिरती है। वही आ जाओ, वही आ जाओ। अब बताओ किसी से प्रेम किया? नहीं, कभी नहीं। अब फिर झूठ बोले तुम बच्चा? बुद्धम चरणम गच्छामि, सच बोलो। किया गुरुदेव, किया। मगर मैं आपके पैर पकड़ता हूँ, ये बात एडना से मत कहिएगा। एडना की शक्ल की एक लड़की थी, नीना। मैं उससे बेहद मोहब्बत करता था, मगर ट्रेन एक्सीडेंट में बेचारी मर गई। इसी दरमियान मेरी मुलाकात एडना से हो गई और मैं उससे मोहब्बत करने लगा। आप उससे विवाह करना चाहते हैं? हाँ भगवान, अगर एडना मुझे नहीं मिली तो मैं उसके बिना पागल हो जाऊंगा, खुदकुशी कर लूंगा। मैं आपके पैर पकड़ता हूँ, आप आज्ञा दे दीजिए, वरना मैं आपके पैर नहीं छोड़ूंगा। भगवान, भगवान, क्या देता हूँ? जड़ी बूटी क्या? अरे जड़ी बूटी कौन? चाचा, ये क्या मामला है? मैं बताती, जो कुछ पूछते हैं मुझसे पूछो, मैं जवाब देती हूँ। चाचा, आप जरा दूसरे कमरे में जाइए। अरे अरे, तुम इतनी अच्छी हिंदुस्तानी बोल रही हो एडना। एडना एडना एडना, नीना को बिल्कुल भूल गए। नीना? हाँ, मैं एडना के रूप में नीना हूँ। तो तुम जिंदा हो नीना? हाँ डार्लिंग, मैं जिंदा हूँ। तुम्हारे अमर प्रेम ने मुझे मरने नहीं दिया। मैं जानता था नीना, तुम एक न एक दिन मुझे किसी न किसी रूप में जरूर मिलोगी। मैं सच कहता हूँ, मैंने मरने की बड़ी कोशिश की। मैं जानती हूँ, पहले दिन बेहोश रहे, दूसरे दिन खाना नहीं खाया और तीसरे दिन तुम्हारी तस्वीर पर फूल चढ़ा है, चौथे दिन ऑफिस नहीं गए और पांचवे दिन लड़कियों के साथ रंगीलियां मनानी शुरू कर दी। वो तो मैंने अपने दोस्तों के मजबूर करने पर ऐसा किया। दोस्तों के मजबूर करने पर तुम एडना का डांस देखने गए थे? नीना, दोस्तों के मजबूर करने पर तुम एडना पे लट्टू हुए थे? नीना, और दोस्तों के मजबूर करने पर तुम एडना से शादी कर रहे हो? नीना, मुझ पर यकीन करो, मैंने एडना के रूप में सिर्फ तुम्हें देखा। छोड़ दो मेरा हाथ, तुम्हारे इस यकीन ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। काश मैं तुम्हारी बेवफाई देखने से पहले एक्सीडेंट में मर गई होती। नीना, गुड बाय। नो गुड बाय। ओ चाचा, किधर गया? चाचा, ओ चाचा, कहाँ मर गया? अरे, अगर मिल गया तो तेरी मुंडी का भुर्ता बना दूंगा। मैं जा रही हूँ मामा जी। बात क्या है बेटी, तू कहाँ जा रही है? जहाँ पुरुष जाति ना हो,
क्या? हाँ मामा जी, सब धोखेबाज है, फरेबी है, मतलबी है। लेकिन बेटी, तेरे पिता भी पुरुष है, मैं भी पुरुष हूँ, हमने कौन सी? मैं आप लोगों की बात नहीं कर रही हूँ, उसकी बात कर रही हूँ, साथी धोखेबाज कहीं का। ओ, तो इसका मतलब ये हुआ कि गलत सरकम बजाए कोई और बदनाम हो सारी पुरुष जाति। आप बिल्कुल ठीक कहते हैं चाचा। हाँ बेटी, ये तुम्हारे कौन से चाचा हैं? मैं जड़ी बूटी सबका चाचा हूँ, कहीं भी कोई भी रोग हो एक मिनट में उसका गारंटी से इलाज करता हूँ। देखो तुम्हारी नब्ज, तुमको गलत फहमी का रोग लग गया है चाचा। आप सब कुछ जानते हैं फिर भी ऐसी बात कर रहे हैं। मुझे अच्छी तरह मालूम है कि तुम और प्रीतम एक दूसरे के प्रेम के दीवाने हो। बिल्कुल झूठ, मैं उससे नफरत करती हूँ। और ये भी बिल्कुल झूठ कि तू उससे नफरत करती है, तू उससे नाराज है ये मैं मानता हूँ, मगर एक्सीडेंट में तुम्हारे मरने की खबर सुनकर प्रीतम भी तो करीब करीब मर ही गया था। लेकिन मरे तो नहीं। ऐसी पागलों की सी बातें करती है तू। अगर प्रीतम की जगह तू होती तो तू भी धीरे धीरे उसको भूल जाती और किसी दूसरे से प्रेम करने लगती। नहीं, हरगिज नहीं, स्त्री जीवन में एक ही पुरुष को प्रेम करती है और उसके न मिलने पर मर मर के जिंदगी गुजार देती है। जड़ी बूटी, ये सब कहने की बातें हैं, समय बड़ा बलवान होता है, धीरे धीरे सब कुछ भुला देता है। नहीं चाचा, मेरी बहन आज भी अपने पति की याद में मर मर के दिन बिता रही है। अरे बेटी, मैं तो भूल ही गया था, तुम्हारे पिताजी की चिट्ठी है। बेला की शादी बहुत जल्द उसी डॉक्टर के साथ होने वाली है जिसने इलाज करके उसकी जान बचाई। अरे जड़ी बूटी, इसी को तो संसार कहते हैं, दुख सुख तो जीवन के साथ लगे ही रहते हैं, जिंदगी जीने का नाम है। तेरे मरने की खबर का सपना कम होने के बाद अगर प्रीतम ने दोबारा जीने की कोशिश की थी इसमें उसका क्या कसूर है? असलियत मालूम होते ही उसकी तो आंखें खुल गई, मगर तू अब भी गलतफहमी का शिकार हो रही है। तूने उसका अपमान किया, उसे ठुकराया, मुझे तो डर है कि कहीं वो बेचारा खुदकुशी न कर बैठे। नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए चाचा, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। चलिए ना, मुझे अभी उनके पास ले चलिए। ये बात हुई ना, अभी गोली खिलाए नहीं और सीधे रास्ते में आ गई। चलो आओ चटी पटी, चलो चलो। आपने क्या किया गुरुदेव, क्या किया गुरुदेव? वही जो एक मनुष्य प्रेम में सफलता प्राप्त होने पर करता है। स्वामी जी, योगी जी को तो आ जाने दीजिए, उन्हें मेरा आशीर्वाद देना वत्स। अब हमारे पास समय नहीं, हम प्रस्थान करते हैं। गुरुदेव, जाने से पहले हम दोनों को ही आशीर्वाद दे दीजिए। अलाख निरंजन, जाओ जाओ, बम बम मेरे साथ, बम बम गुरु, बम बम अलाख निरंजन। नो 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 नो, आज हम फाइट करने को नहीं आए। अब प्लीज प्लीज, पहले हमारा बात सुनो। नीना हमको तुमको बुलाने को भेजा है। क्या, नीना ने मुझे बुलाया है? यस, नीना तुमको बहुत लव करता है। यस, बहुत लव करता है। लेकिन लेकिन मुझे यकीन नहीं होता। ओ बाय गॉड, आई स्वेयर, नीना का मामा, नीना का डैडी तुम्हारा इंतजार करता है सगाई के वास्ते। हुर्रे, हम अभी भेज बदल कर आता है। हुर्रे, यस यस, मथुरा वासी जी, हम भी चले। ओ नो नो, प्लीज नो, तुम लोग तैयार होकर पीछू से आएगा। देखो हमारे प्रीतम की हो गई सगाई रे, देखो हमारे प्रीतम की हो गई सगाई रे। जाओ उससे जाकर मिलो। आप भी चलिए ना। दो प्रेमियों के बीच में मेरा क्या काम, तो मुझसे मिलो, मैं मुन्नी देवी की गाड़ी गैरेज में रखता हूँ। जाओ जाओ जाओ। अरे भीमसेन, जल्दी करो भाई, वक्त हो गया। तैयार। प्रीतम, अरे आप, प्रीतम कहाँ है? आप, प्रीतम की तो आपके साथ सगाई हो रही थी ना? क्या? जी हाँ, श्री माथुर अभी अभी आए थे और कह रहे थे कि आपके पिताजी प्रीतम पर बहुत प्रसन्न हैं और एक घंटे में आपकी सगाई होने वाली है। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग? ना मेरी प्रीतम से सगाई हो रही है, ना पिताजी को इस बारे में कुछ मालूम है। तो फिर
मेरा ख्याल है जरूर मिस्टर माथुर की इसमें कोई चाल है। अगर मिस्टर माथुर की इसमें कोई चाल हुई तो मैं ऐसा पंच मारूंगा उसकी जान ले लूंगा और मैं उसका सर तोड़ दूंगा। शट अप, डोंट शट अप। अरे रे, ये क्या कर रहे हैं आप लोग? पहले ये तो सोचिए कि माथुर प्रीतम को लेकर कहां गया है। माथुर प्रीतम को लेकर दुनिया के किसी कोने में जाए मैं उसको ढूंढ के उसकी जान ले लूंगा। चलिए चलो, चलिए मेरे साथ, चलिए चलिए, कम ऑन, चलो चलो। चाचा जरा ठहरो। अरे क्या हुआ चाचा? चाचा बड़ी गड़बड़ हो गई। क्या गड़बड़ हो गई? अरे चाचा प्रीतम को मिस्टर मथुर ले गए। मथुर ले गए? कहाँ ले गए? अजी मालूम नहीं कहाँ ले गया। तुम पहले गाड़ी स्टार्ट करो फिर बताएंगे। चाचा 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 जल्दी चाचा। मिस्टर मथुर, ये आप मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? ये नीना के घर का रास्ता नहीं है, ये जहन्नम का रास्ता है। क्या जहन्नम? तुम नीना से लव करता? दिलो जान से। हम भी नीना से लव करता, मगर वो तो मुझे चाहती है। लेकिन हम उसको चाहता। विलायत में जब एक लड़की को दो लड़का लोग लव करता तो दोनों आपस में फाइट करके फैसला करता कौन शादी बनाएगा। हम तुमसे फाइट करें। क्या करेगा? फाइट करेगा। ये बात है? तेज चलाओ गाड़ी। कोशिश कर रहा हूँ मैं, इतला दो रहा हूँ। तेज चलाओ। हेलो चाचा, क्या हुआ? मेरी जेब में से रफ्तार तेज गोलियाँ निकाल कर पेट्रोल की टैंकी में डाल दो। चलो चाचा, आप कहें तो ये गोलियाँ हम भी खा लें। एक मत में दखल मत दो, समझे? चाचा कितनी डालूं? दो दो दो। मैंने तीन डाल दी। कोई बात नहीं। Yeah.
तुम्हारी। यहाँ तो कोई है ही नहीं। किधर गए? किधर किधर किधर? चलो 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 चलो। ले जा ले जा इस बदमाश को। क्या समझता अपने आप को? हाँ, दस तेरे बदमाश की। तुम प्रीतम को सुना दो। प्रीतम प्रीतम, नीना तुमने मुझे माफ कर दिया ना? प्रीतम